फ्रेंड्स, घटना चक्र जीएस पॉइंटर सीरीज में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के बारे में। इस क्लास से पहले हमने साइंस के तीनों पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, उसके साथ ही ज्योग्राफी की दोनों क्लासेस हो चुकी हैं, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की। उसके साथ साथ ही हमने इन्वायरमेंट का भी पॉइंटर डिस्कस किया हुआ है और आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का। अभी भी जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में लिंक शेयर करें। ये देखिए, ये घटना चक्र का पॉइंटर है। इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि जितने पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टेट पीसीएस में चाहे यूपीएससी में, वो सारे पेपर के जो क्वेश्चन है इसमें दे रखे होते हैं सब्जेक्ट वाइज, और ये लास्ट टाइम पे आपके रिवीजन के लिए काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला ही टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। तो देखते हैं, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति। देखिए, पहले क्या होता था कि बजट पर बहस करने का भी शक्ति नहीं थी विधान परिषद के पास में, लेकिन वो कौन सा ऐसा अधिनियम था जिस अधिनियम के द्वारा ये शक्ति दी गई थी भारतीय विधान परिषद को? तो ये अधिनियम था 1892 का अधिनियम था जिसमें ये शक्ति दे दी गई थी। क्लियर है? चलिए सेकेंड फैक्ट देखते हैं, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कौन से एक एक्ट के द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले जो ये सर्वोच्च न्यायालय बनी थी वो कलकत्ता में स्थापना हुई थी इसकी, और एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसकी जो स्थापना की गई थी, और एम पे इसके पहले जो इसके सीजीआई थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की गई थी? तो 1935 के द्वारा की गई थी संघीय न्यायालय की स्थापना। अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। नेक्स्ट है, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित कब किया गया था? देखिए, अधिनियम तो ये 1935 का था बट स्थापना हुई थी 1937 में। नेक्स्ट चलते हैं, नियंत्रण परिषद की स्थापना कौन से एक्ट के द्वारा हुई थी? तो ये पिट्स इंडिया एक्ट था 1784, उसके द्वारा की गई थी नियंत्रण ये परिषद की स्थापना। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी हमने देखा था 1773 के द्वारा की गई थी। तीसरा है, इंग्लिश मशीनरीज को भारत में कार्य करने की अनुमति ये कौन से के द्वारा दी गई थी? ये चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो की गई थी वो चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता बतानी कौन कौन सी थी? तो एक तो यह था, इसमें प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। अगर आपसे कहें कि प्रांतों में जो ड्यूअल गवर्नमेंट आई थी तो वो कौन से अधिनियम के तहत आई थी? वो आई थी 1919 के तहत, लेकिन बाद में हुआ क्या था, 1935 में प्रांतों में तो ये ड्यूअल शासन जो ख़त्म कर दिया था, और सेंटर में यानी कि केंद्र स्तर पर जो है ये लागू कर दिया गया था। केंद्र स्तर पर आया था 1935 में, जबकि प्रांतीय स्तर पर आया था 1990 के एक्ट में। दूसरा प्रोविज़न क्या था इसका, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण इसमें कर दिया गया था 1919 के एक्ट में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय विधान पालिका परिषद प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? तो 1919 के अधिनियम में ही प्रथम बार द्विसदनीय बनी थी भारतीय विधान पालिका, ये प्रथम बार द्विसदनीय बनी थी 1919 के एक्ट के द्वारा। अगले चलते हैं, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहाँ से मिली है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से मिली है। अगर आज की डेट में पूछा है तो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो आर्टिकल 123 है। नेक्स्ट है, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था कौन से एक्ट के द्वारा? 1833 का एक्ट था, 1833 का एक्ट था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है किस पर? भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। नेक्स्ट है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में, देखिए अभी बताया ना मैंने, केंद्र में जो द्वैत शासन आया था वो कौन से अधिनियम के द्वारा आया था? वो आया था 1935 के द्वारा। अगर पूछा है प्रांत में किसके द्वारा आया था, प्रांत में आया था 1919 के द्वारा आया था प्रांत में द्वैत शासन। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम द्वारा संघ में जो अवशेष शक्तियाँ थी वो किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। अगर आज के टाइम में पूछे तो किसको दी गई है, वो संसद को दी गई हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण और स्थायी अभी अब नहीं है,
तो देश के लिए लिखित संविधान ये जो था भारत शासन अधिनियम 1935 में नहीं था। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अधिकतर चीज़ें जो भारतीय संविधान में वहीं से ली गई हैं। बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप ही अलग हुआ था। बर्मा यानी कि जो म्यांमार है भारत से अलग हुआ था इस एक्ट के द्वारा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था कुल 8 प्रांतों में। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन द्वारा। ये पहले प्रस्ताव दिया गया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आए थे। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्विट बिल का उद्देश्य क्या था? तो इल्विट बिल का उद्देश्य था जहाँ तक अदालतों को दंडिक अधिकारिता का संबंध था भारतीय और यूरोपीय लोगों को बराबरी पर ये मतलब रोकना था। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में कितना था? तो एक प्रतिनिधि जो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो 3 सदस्य थे। एक तो पैथिक लॉरेंस थे, दूसरे स्टेफर्ड क्रिप्स थे और तीसरे एबी अलेक्जेंडर थे। तो इसमें से पूछ लेता इनमें से कौन से नहीं थे, 3 नाम देगा आपको, चौथा कोई अजीब नाम दे देगा आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो देख लो, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। नेक्स्ट चलते हैं, तो कथन और करण वाला क्वेश्चन था ये। बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती। तो इसने रिकमेंडेशन किया था कि जो भी कार्यकारी परिषद हो उसमें जो हिंदू और मुस्लिमों की संख्या समान हो। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता, तो ये अंग्रेज कभी ऐसे नहीं सोचते, ठीक है। तो ये तो कारण इसका गलत है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट, भारत के लिखित संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था तो किसके द्वारा? स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में। 1934 में विचार लाया गया था संविधान सभा का सबसे पहले स्वराज पार्टी के द्वारा। अब देखते हैं इनमें से कौन सा कथन जो है ठीक है। तो पहला है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसके जो चेयरमैन थे वो भीमराव अम्बेडकर साहब थे। पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधि दिया गया था, दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार सीमित था। चौथा, यह वह बहुदलीय निकाय थी, ये बात भी ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को जो है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। अभी हमने बताया था कि इसके चेयरमैन कौन थे प्रारूप समिति के, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इनके सदस्यों कहाँ से चुना गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था सदस्यों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था कैसे? वो प्रांतीय सभाओं द्वारा सदस्यों का चुनाव किया गया था। प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर को ये बैठक हुई थी। बाद में 11 दिसंबर को ये बैठक हुई थी, उसके स्थायी अध्यक्ष हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री सभा का ये संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो परमानेंट ये अध्यक्ष बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे चलते हैं। तो ये था, देखिए भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी इसकी पहली। इसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को, ये प्रस्ताव पारित किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावन प्रस्तुत किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में के निर्माण में इससे संबंधित कथनों पर बताना कौन सा सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर ही इसका असर था। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, तो तीसरे स्टेटमेंट भी ठीक है, तीनों स्टेटमेंट ही ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे कितने? कुल 12 अधिवेशन हुए थे इसके।
नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय कितना लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन संविधान को बनाने में लगे थे। सही सुमेलित करना है इसमें। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी पहले उपाध्यक्ष थे इसके। प्रारूप समिति का मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन थे? तो के एम मुंशी प्रारूप समिति के एकमात्र सदस्य थे जो कांग्रेस के ही सदस्य थे। तीसरा, राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बी टी कृष्णमाचारी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, हमने बताया था पहले आपको। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार पटेल जो थे मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य सदस्य कितने थे? तो अन्य 6 सदस्य और थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो इसका गठन पूछ लिया था वनडे एग्जाम में, 19 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव जो संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था किसने? बी एन राव द्वारा ये प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 की डेट याद रखो आप, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था भारत की संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दौरान लागू करने का निर्णय इसलिए था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, जनवरी को, 26 जनवरी को। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था, लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? 1891 में जन्म हुआ था, 1956 में मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 1950 में अपनाया गया था। देखिए, आर ओ को जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, UPSC PCS का, यूपी का 24 का जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि यहाँ पर क्रम से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रम से लगाओ इन्हें, तो इनकी डेट आपको पता होनी चाहिए। जनगण मन कब अपनाया गया था, झंडा कब फहराया गया था, संविधान कब अपनाया गया था, कब लागू हुआ था, ठीक है? तो सारी चीज़ें क्रम से पूछी जाती हैं। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह यानी कि स्टेट एम्बलम अंगीकृत कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये भी सही कथन बताना इनमें कौन सा है, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में सामने आती है। पहला स्टेटमेंट ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। आगे चलते हैं, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, इसको एक गृहित संविधान भी कहा गया। दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, बट इसका जो है ये लिंक नहीं करता है। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? मौलाना कलाम मतलब आज़ाद ने बात कही थी कि वयस्क मताधिकार को जो है अभी 15 साल के लिए स्थगित कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए, ये बात किसने कही थी? महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। नेक्स्ट है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करने के आंका, यह कथन किसका था? ये आइवर जेनिक्स का कथन था ये, तो ये कथन स्टेटमेंट भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट होते हैं, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये बात किसने कही थी? ऑस्टिन ने ये बात कही थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? 15 कुल महिलाएँ सदस्य थीं। अब संविधान पर विदेशी प्रभाव देख लेते हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। जो हमारे संविधान में, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार यानी प्रीमियर का विचार कहाँ से आया था? तो अमेरिका के संविधान से आया था ये। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? संविधान हमारा सर्वोच्च है।
नेक्स्ट, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की इस संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ये कनाडा से ली गई है। आप ब्रिटेन अगर एक बार कहते तो गलत हो जाता, ये संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। ये कहाँ से ली गई थी? अमेरिका से ली गई थी। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है, दोनों जगह। नेक्स्ट है, भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से जो लक्षण पाया जाता है वो कौन सा है? कि भारत के निर्वाचन के संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्च न्यायालय, ये दोनों में कॉमन है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कहाँ से ली गई थी? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। जबकि बात किया है DPSP की यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना कहाँ से ली गई थी? तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है ये। नए शर्त, राज्य सभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने के में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे, कहाँ से? आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। नए शर्त, मूल अधिकार अमेरिका से, शासन की संसदीय प्रणाली ये ब्रिटेन से, आपात उपबंध कहाँ से लिए गए थे? इमरजेंसी जर्मनी का, बीमार संविधान था ये। DPSP की बात करें तो आयरलैंड से। नेक्स्ट चलते हैं, विधि का शासन की बात करें तो इंग्लैंड से लिया गया था। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें तो जापान से लिया गया था। राष्ट्रपति के विचार अर्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कनाडा से लिया गया था। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन से ली गई थी। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिए गए थे। भारत राज्यों का संघ है और संघ में अधिक शक्ति नहीं थी, ये कनाडा से लिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से आया था? तो रसिया के संविधान से आया था। ये स्वर्ण सिंह समिति द्वारा रिकमेंडेशन की गई थी। नेक्स्ट है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है हो गया है। कारण क्या है? मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान से लिया गया। बात तो दोनों ठीक है, बट ये लंबा इसलिए हो गया कि क्योंकि राज्यों का हमारे यहाँ कोई अलग संविधान नहीं है, सारे राज्यों का एक ही संविधान है और कई जगह से लेकर ये बनाया गया, तो इसलिए ज़्यादा लंबा हो गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा कहाँ से? अमेरिका के संविधान से ली गई थी। लिखित संविधान प्रारंभ कहाँ से हुआ था? अमेरिका से हुआ था सबसे पहले प्रारंभ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियाँ कितनी है। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। अभी आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, मतलब कितने आर्टिकल थे? 395 थे। कुल अनुसूचियाँ कितनी है इसमें? 12 अनुसूचियाँ हैं। सही कथन बताना है इसमें। संविधान में 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं सूची को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। पहले केवल 8 अनुसूची थी मूल संविधान में, अब कितनी है? 12 हैं। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है 22 भागों में। नेक्स्ट, नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारत के ये संविधान किस भाग में? भाग 2 में है। नागरिक ये देखो मैं तो फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नागरिकता संबंधित प्रोविजन कहाँ में? भाग 2 में है। मूल अधिकार भाग 3 में है और ये राज्य किस में? भाग 6 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब राज्यों का गठन कहाँ है? ये भाग 3, ये अनुच्छेद 3 में है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। नागरिकता भाग 2 में है, देखा था हमने। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और प्रशासनिक प्राधिकरण जो है कहाँ पर है? ये है भारतीय संविधान के आर्टिकल 223 के ए में। हमारा संविधान का भाग जिसमें 300 पानों को पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है वो भाग 9 है, पंचायती राज से संबंधित। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध की अगर बात करें तो भाग 11 के अध्याय 1 में है ये, सेंटर और स्टेट के रिलेशन। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्यों के नाम, सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, कौन सी पहली अनुसूची है? भारत के संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करती है किसको? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है 4थी अनुसूची। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट है, राज्यों का गठन किसमें? ये भाग, ये तो हमने देख लिया था। हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 300 पानों की पंचायत बनाने की बात की गई, ये हमने देख लिया था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, वह कौन सी है? पहली अनुसूची है। एक तरफ अनुसूची, दूसरी तरफ विषय हैं, तो चतुर्थ अनुसूची जो है, चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो 4th शेड्यूल रिलेटेड है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी कि किस स्टेट की कितनी सीटें हैं, ये 4थी अनुसूची में है। 6ठी में क्या है? जनजातियों संबंधित है। 8वीं में क्या? भाषा संबंधित है। 9वीं किससे रिलेटेड है? भूमि सुधार से रिलेटेड है। 7वीं किससे रिलेटेड है? 7वीं विधायी शक्तियों का वितरण है इसमें, कि कौन कौन से विषय पर जो है संसद कानून बना सकती है, किस पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है और कौन से विषय हैं जो समवर्ती सूची के हैं।
आठवीं अनुसूची में देखा था हमने भाषाएं हैं, नवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है, दसवीं अनुसूची में दल बल ये दल परिवर्तन के आधार पर निहारता से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है कौन सी, नौवीं अनुसूची में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय क्या है, ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय क्या है, आपराधिक मामले। इसमें भारत के संविधान की समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं, जनसंख्या नियंत्रण, परिवहन नियोजन और बाकी शिक्षा भी समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा को कब शामिल किया गया था, राज्य के सब्जेक्ट से निकालकर इसको बना दिया गया था, कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था 42 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये वन को भी इसमें डाला गया था समवर्ती सूची में 42 में संविधान संशोधन द्वारा। डाकघर किसमें, संघीय सूची में। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। केंद्रीय सूची में क्या है, जनगणना केंद्रीय सूची में है। राज्य सूची में क्या है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची में है। समवर्ती सूची में क्या है, जनसंख्या नियंत्रण, परिवहन नियोजन। अपशिष्ट विषय कैसे, जैसे कि अंतरिक्ष अनुसंधान जो है ये अपशिष्ट विषय में जो शक्ति केंद्र के पास है। भारतीय संविधान के प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं कौन कौन से, DPSP हो गया आपका, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय हो गया, पाँचवीं अनुसूची, छठी अनुसूची, सातवीं अनुसूची, ये सब जो है शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून प्रावधान किया गया है तो दसवीं अनुसूची है वो। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची के विषय कौन से, बैंकिंग, बीमा और जनगणना, ये संघ सूची के विषय हैं। संघ सूची के विषय कौन से, रक्षा, विदेशी मामले और रेलवे। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में क्या, राज्य पुलिस जो राज्य, ये रेलवे पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आती है। पंचायती राज का विषय किसमें है, वो राज्य सूची का विषय है। वह विषय जो भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 3 में समवर्ती सूची में डाला गया है तो दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची में है। विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना, ये कौन सी इसमें, सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची के विषय है। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार ये सातवीं अनुसूची में दिया गया है। वहीं पर अगर बात किया भूमि सुधार की तो भूमि सुधार जो राज्य सूची का विषय है। भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध कौन से में, पाँचवीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची जिन राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित कौन कौन से, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से रिलेटेड है। भारतीय संविधान की पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची किससे संबंधित है, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण से रिलेटेड है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कब किया गया, वो 243 के अंतर्गत दिया गया है। ये संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे, पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के कौन से संविधान के उसका आता है आर्टिकल के, तो अनुच्छेद 170 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध दिए गए हैं कहाँ पर, 117 में दिए गए हैं। भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान कहाँ पर किया गया है, ये 312 में किया गया है। वहीं पर बात किया अगर भारत के निर्वाचन आयोग की तो अनुच्छेद 324 से रिलेटेड है। 39 का एक इससे रिलेटेड है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से रिलेटेड है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन से रिलेटेड है। 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान के अनुच्छेद और विषय। आर्टिकल 124 जो है संघीय न्यायालय से संबंधित है। आर्टिकल 5 नागरिकता संबंधित है। 352 यह आकस्मिक प्रावधान से संबंधित है। 245 की बात करें विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। आर्टिकल 14 समानता के अधिकार से संबंधित है। 36 DPSP है। 74 में मंत्रिपरिषद है। 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दे रखी है। वहीं पर बात करें हम तो विधानतः नए राज्य को शामिल करना तो ये आर्टिकल 2 में है। समता का अधिकार जो है ये फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14 का भाग है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22 से रिलेटेड है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का आधार जो है ये अधिकार जो है आर्टिकल 111 में है। वहीं पर कुछ अनुच्छेद और देख लेते हैं। आर्टिकल 54 क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 75 में। 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति बताई गई है 155 में। 164 की बात करें तो हम राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। वहीं पर आर्टिकल 323 के एक की बात करें तो प्रशासनिक प्राधिकरण है इसमें। 324 में देखा था हमने निर्वाचन है। 330 में क्या है, लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण है। आर्टिकल 320 में क्या है, लोक सेवा आयोग के कार्य हैं इसमें। वित्त आयोग किसमें, आर्टिकल 280 में है। वित्तीय आपातकाल किसमें, 360 में, जो अभी तक नहीं लगा भारत में। कुछ और आर्टिकल देख लेते हैं।
आर्टिकल 148 से रिलेटेड है, कैग से, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग से रिलेटेड है आर्टिकल 148। संघ लोक सेवा आयोग ये आर्टिकल 315 है। आपात स्थिति की घोषणा आर्टिकल 352 है इसमें। नेक्स्ट है आर्टिकल 215 किससे रिलेटेड है, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी कि उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होता है, आर्टिकल 215 में बताया गया है। आर्टिकल 222 किससे रिलेटेड है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण है। आर्टिकल 226 में बात करें तो हम, तो विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। यहाँ पर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग रिट जारी करता है, वहीं हाई कोर्ट जो है 226 के अंतर्गत रिट जारी करता है। आर्टिकल 227 जो है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 76 क्या कहता है, आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी की बात की गई जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 131 क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के बारे में बात करता है, सुप्रीम कोर्ट का ये क्षेत्राधिकार है। कार्य करने का अधिकार किसमें, आर्टिकल 41 में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति ये आर्टिकल 42 में है। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया आर्टिकल 45 में। भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित, पंचायतों से संबंधित है। भाग 8 किससे संबंधित, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और संविधान का भाग 8 का ये मूल कर्तव्य से, 4 का, सॉरी 4 का ये मूल कर्तव्य से संबंधित है, 9 का ये जो है नगर पालिका से संबंधित है। वहीं पर अगर बात की जाए पंचायतों से संबंधित भाग 9 है, नगर पालिकाओं से 9 का क्या है, सहकारी समितियों 9 का क्या है। वहीं पर संविधान का भाग जो ये 15 है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। संविधान का भाग 16 किससे, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। अगर भाग 17 की बात करें तो राजभाषा से संबंधित है, और भाग 18 की बात करें तो आपात से संबंधित है। अब देख लेते हैं भारत के संविधान की उद्देशिका। उद्देशिका में क्या कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, तीन टाइप का न्याय देखो यहाँ पे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीन टाइप का न्याय हो गया, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता 5 टाइप की है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अब समता कितने प्रकार की, 2 टाइप की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज डैश को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपित किया गया है। तो ये चीज़ें, ये देखिए इसमें डायरेक्ट वर्ड पूछ लेंगे तो भारत की उद्देशिका में शक्ति कहाँ से ली गई है संविधान में, तो भारत के लोगों से ली गई है। क्या है मतलब कौन कौन से शब्दों का सिक्वेंस भी पूछ लेते हैं, इसमें कौन कौन से शब्द बाद में जोड़ेंगे ये पूछ लेते हैं, सारी चीज़ें आगे देखेंगे हम। तो बताया कि कौन सी तारीख को ये अंगीकृत, अधिनियमित और ये आत्मपित किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति जब संविधान लागू किया था, क्या थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, इसमें समाजवादी वगैरह शब्द नहीं थे। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है भारत तथा इंडिया के नाम से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में शब्दों का क्रम बताइए, देखिए क्रम पूछ लेने यहाँ पर, तो क्रम है सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। 42 में संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या क्या जोड़े गए थे, इसमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द जोड़े गए थे। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है भारत की प्रस्तावना। नेक्स्ट चलते हैं, 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था तो अखंडता भी सम्मिलित नहीं था। भारत की संविधान प्रस्तावना में भार्त को घोषित किया गया है एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र जो घोषित किया गया है। उद्देश्य का संबंध में बताना कौन सा बात जो इसमें सही है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतकोतबा उद्देश्य का बना था, ये बात ठीक है। दूसरा, इसकी प्रकृति जो है वो न्याय योग्य नहीं है, ये बात भी ठीक है। तीसरा, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता, ये बात भी ठीक है। तीनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में ये संशोधन किया गया था, 42 में संशोधन 1976, केवल एक ही बार अभी तक संशोधन हुआ है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वह शब्द जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे, कौन कौन से नहीं थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द जोड़े गए थे 1976 को 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान के अमुक का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना क्या, सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर और समता की, व्यक्ति की प्रतिष्ठा।
भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, इलेक्शन होगा उसके लिए भी। नेक्स्ट है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है कहाँ से? भारत के लोगों से। हमने देखा था हम भारत के लोग, भारत को यहाँ से आरंभ होती है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया, कहाँ पर? भारत की प्रस्तावना में ये प्रयोग किया गया है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ क्या होगा? भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, इसका यही मतलब है। भारत के संविधान की उद्देशिका में क्या नहीं है? लोक कल्याण भारत की इसमें कहीं भी नहीं है। प्रस्तावना में वर्णित क्या नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक न्याय की बात करता है। भारत संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लेखित नहीं है? धार्मिक न्याय नहीं है, इसमें तीन टाइप के न्याय है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। भारत के संविधान प्रस्तावना के बारे में क्या सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो थे 1950 में नहीं थे, बाद में जोड़े गए हैं। संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है, उद्देशिका को संविधान की आत्मा भी कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्मकुंडली कहा किसने? के एम मुंशी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। नेक्स्ट चलते हैं, उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है, कौन से में? बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में ये बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था, केशवानंद भारती मामले में स्वीकार किया गया था ये। नेक्स्ट, भारत के संविधान के उद्देशिकों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, दोनों में किया गया है ये। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकारों में, DPSP में और मूल कर्तव्यों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता क्या? भारत की प्रस्तावना। भारत की प्रस्तावना भारत के संविधान के उद्देश्यों में व्यवस्था की गई है तीन प्रकार के न्याय की। शासन प्रणाली के बारे में देख लेते हैं अब। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है राज्य का। भारतीय संविधान में जिस प्रकार की शासन प्रणाली की व्याख्या की गई है, किस प्रकार की है? संसदात्मक शासन प्रणाली है। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? संसदात्मक सरकार है, संघात्मक सरकार है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसको ही संसदीय प्रणाली की सरकार कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के संदर्भ में संसदीय प्रणाली शासन प्रणाली में निम्न सिद्धांतों पर संस्थागत रूप से निहित है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, जब तक मंत्रियों को संसद यानी लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें होती है? राष्ट्रपति में होती है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन कौन से हैं? भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ये तीनों स्टेटमेंट जो करेक्ट हैं। नेक्स्ट चलते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। भारत एक संप्रभु ये प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, दूसरा भी ठीक है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी ठीक है। चौथा स्टेटमेंट है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी करेक्ट है। भारतीय राजतंत्र की विशेषता क्या है? एक संविधान संघ सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, विधि का शासन होता है। यहाँ पे कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है, उसका उद्देश्य होता है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। भारतीय संविधान का दर्शन क्या है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता जो इसके दर्शन है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता जो राजनीतिक सत्ता की प्रमुख स्रोत है। अधिशासनात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार होता है, इसको भी प्रजातंत्र कहते हैं। भारत का संविधान परिसंघीय विनिर्धारित होता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण से। भारतीय संविधान है क्या? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर क्या है? न्यायिक समीक्षा का अंतर है क्योंकि ये अमेरिका से लिया गया है। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, कारण क्या है? उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। बात दोनों ठीक है, बट संघीय प्रणाली का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा हो, तो ये इंटरलिंक नहीं कर रहा आपस में। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के संविधान का संघीय लक्षण क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये तीनों जो संघीय लक्षण हैं। वहीं पर अगर संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व की बात करें तो राज्यपालों की नियुक्ति,
राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं, ये जो है एकात्मक तत्व हैं। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित कथनों पर विचार करना है। संविधान शासन की मूलभूत मूल संरचना के लिए संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है और एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। निश्चित है भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। कारण क्या है? भारत में संसदीय प्रणाली की गणतंत्रात्मक तक के बाद जोड़ा गया है, तो दोनों बातें सही हैं, व्याख्या सही करता है। नेक्स्ट, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त होते हैं क्योंकि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, तो दोनों बातें ठीक हैं। नेक्स्ट होते हैं, भारत में संघवादिता व्यावहारिक नहीं है, ये बात ठीक है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है, तो ये बात जो है गलत है क्योंकि अधिकतर तत्व जो है संघीय राज्य के ही हैं भारत में। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य है उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना, राष्ट्रीय एकता को संरक्षित रखना है, था करेक्ट है। दूसरा, विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है, दोनों बातें करेक्ट हैं। नेक्स्ट होते हैं, महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, करेक्ट है। दूसरा, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का भाग जो बनकर उभरा है, तो दोनों बातें सही हैं। भारतीय संविधान के वृत्त होने का कारण क्या है? यह संघ और राज्य सरकारों का संविधान है, तो इसलिए जो बड़ा संविधान हो गया है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है क्योंकि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है, तो दोनों बातें करेक्ट हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन साहब ने ये बात कही थी, तो ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, ये बात किसने कही थी? केसी वीएन ने कही थी। सहकारी संघवाद की बात करें तो जी ऑस्टिन, और अर्धसंघात्मक राज्य कहा था केसी वीएन ने। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये कथन किसने कहा था? केसी वीएन ने कथन कहा था। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे से नहीं डाला गया है, ये बात कथन किसने कही थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा कही गई थी। नए चलते हैं, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में क्या बात सही है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संसदीय पद्धति की सरकार है और संघीय नीति है। गणतंत्रीय अवधारणा से क्या संबंधित है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो और ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित हो, प्रतिनिधि की हो, तो उसको जो हम गणतंत्रीय अवधारणा कहेंगे। फिर संवैधानिक सरकार वह होती है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता का प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती हो, मतलब स्टेट के पास में कम पावर हो और व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई हो, उसको हम संवैधानिक सरकार कहते हैं। अब राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय पशु कौन सा हमारे यहाँ बाघ है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है कमल है, पक्षी कौन सा राष्ट्रीय मोर है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र प्रतीक है न्याय का, राष्ट्रीय ध्वज में तिली की कुल संख्या कितनी, ये 24 है। वहीं पर बात करें संपूर्ण राष्ट्रगान कितने दिन में गाया जाना चाहिए, 52 सेकेंड में। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र देख लेते हैं। भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार तो संविधान के अनुच्छेद 3 में दिया गया है। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है किसमें? संसद में निहित है। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सिफारिशों को परिवर्तित करने की शक्ति कहाँ पर है? संसद को पास है। नए शतें एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति प्राप्त होती है संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन यानी कि संघ है। नए राज्य के निर्माण के बारे में देख लेते हैं। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, कौन? संसद। इस प्रकार की विधि संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। इसके प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तक पुनर्स्थापित नहीं किया सकता जब तक कि इसे उस राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया हो जिससे क्षेत्र सीमाओं ये नाम का इसका प्रभाव पड़ता है। यानी कि कोई भी ऐसा विधेयक पहले जो राज्य विधानमंडल को भेजा जाएगा उसके बाद ही संसद इस पर जो स्टेप उठा सकता है, बट राज्य का विधानमंडल जो सिफारिश करता है वहाँ पर ये मानना संसद के लिए ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, इस टाइप का विधेयक कोई भी संसद के इस टाइप से पारित करेगी, साधारण बहुमत से पारित करती है इस टाइप के विधेयक को। नेक्स्ट, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। पहले देखते हैं, भारत संघ नहीं है, ये बात गलत है। तो किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की संसद को शक्ति है, ये बात करेक्ट है। नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध क्या है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर, तो ये जो है संसद कुछ भी कर सकती है इनमें से।
नेक्स्ट कौन सा कथन सही है बताना है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है, पहला स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है अमेरिका की तरह। एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार पर पक्ष में नहीं थी। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना हो तो संशोधन करना आवश्यक होगा प्रथम अनुसूची में। भारत में संघ शासित प्रदेश कितने? 8 हैं, यहाँ पर 7 दे रखे हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटें आरक्षित कितनी हैं? तो 20 सीटें हैं। नेक्स्ट है, अब इसमें हो सकता है फेरबदल होगी क्योंकि जम्मू कश्मीर को अलग बना दिया गया था। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को बनाए गए, कहते 14 राज्य थे और 6 संघ शासित प्रदेश थे। अभी की बात करें तो 28+8 हैं अभी, ये गलत है। संघ राज्य क्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन द्वीप, पुडुचेरी वगैरह हैं। नेक्स्ट है, वह राज्य जिसकी राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अभी तक नहीं बदला गया, आंध्र प्रदेश है। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया था? 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, डेट पता होनी चाहिए आपको। द्वीप खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और द्वीप को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था। सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित कब किया गया था? 36वें संविधान संशोधन द्वारा ये सम्मिलित किया गया था। राज्यों का भारत संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम कौन सा? नागालैंड, फिर उसके बाद हरियाणा, फिर सिक्किम, 1987 में अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए आरओ में इस तरह के कालम क्रम पूछता है तो इसमें सही सीक्वेंस में लगाना है। पहले सिक्किम आया 75 क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश 87 में, ये 2000 में आए। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना था? 1 नवंबर 2000 को बना था। उत्तराखंड भी तभी बना था। आंध्र प्रदेश का बना था? 1953 में बना था। हरियाणा 66 में बना था। हिमाचल प्रदेश 71 में, सिक्किम 75 में। नागालैंड की बात करें 63 में बना था, यानी हरियाणा से पहले। मेघालय बना 72 में, सिक्किम बना 75 में और अरुणाचल प्रदेश बना 1987 में। हरियाणा की बात करें तो ये 1966 था, महाराष्ट्र 60 था, राजस्थान 56 था। कथन सही है कौन सा ये बताना है। गोवा को दमन द्वीप से अलग किया गया, बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र से विभाजित किया गया था। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश था, बाद में राज्य बना है। नेक्स्ट चलते हैं, उल्फा उग्रवादी संबंधित कहाँ से? आसाम से। पीपल्स वार ग्रुप कहाँ से संबंधित? आंध्र प्रदेश से। कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल, 4 राज्यों के बीच में है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 29 दिसंबर 1953 को की गई थी। भाषा के आधार पर भारत का सर्वप्रथम गठन किसके द्वारा कौन सा हुआ था? आंध्र प्रदेश का हुआ था। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठन किया गया था 1953 में। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान प्रदान करता है क्या? एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है कैसे? जन्म के आधार पर, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित होने पर। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत वह भारतीय कार्ड धारक जो प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए आ रहे हैं कौन से हैं? एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिकों की विदेशी मूल की पत्नी, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पिता या पितामही या मातामही संविधान द्वारा लागू होने के भारतीय नागरिक थे। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट है, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया अमेरिका में। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सच्चा में कौन संसद? मूल अधिकार से संबंधित देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था 1928 में। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार क्या हैं? ये बाध्य योग्य हैं, अगर इनके उल्लंघन पर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में विधानसत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है कौन सा? आर्टिकल 14 है। समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में है? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में है ये। शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है आर्टिकल 15 के 5 में। नेक्स्ट चलते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए विभिन्न व्यवहार कर सकता है, पहला स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि
समान लोगों में विधि शास समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। दूसरा भी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों द्वारा ये प्राथमिकता प्रदान करता है, आर्टिकल 13। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, कौन सा? आर्टिकल 19, 20, 21, 22, 4 में दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन प्रदान करने तो सक्षम किया गया, कहाँ कहाँ से? भारत के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द से, और एक और संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, और यह है संविधान को अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। नेक्स्ट है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसमें वर्गित किया गया समता के अधिकार के अधीन। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये कौन कौन से? आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है क्या? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता और अवसर की समानता। नेक्स्ट चलते हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 24 है। ICCPR के अनुच्छेद कौन से बाल अधिकार से संरक्षित? ये 14 है, 24। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में है। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध डैश डैश के संबंध में किया गया हो, यानी कि अनुसूचित जनजाति के जाति के सदस्य के साथ किया गया हो। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न उपायों द्वारा किया जा सकता है, कानून बनाकर, शिक्षा के अनुमति द्वारा और जनजागरण के द्वारा। मद्रास राज्य बनाम दुराई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया कौन सा था? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट चलते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को मौलिक और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 17 के अंतर्गत। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है आर्टिकल 19 के 1 के आ में। भारतीय संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। नागरिक के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है अवांछनीय आलोचना के कारण। व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण दिया गया आर्टिकल 21 में, और देश में घूमने का अधिकार है आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 के 1 का डी को अनुच्छेद 11 से मिलाकर पढ़ने पर क्या प्राप्त होता है? एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है क्या? धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, और राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार अधीन है किसके? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया आर्टिकल 25 के अंतर्गत। आर्टिकल 25 का संबंध किस तरह धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? आर्टिकल 23 की अगर बात करें तो आर्टिकल 23 किस तरह रिलेटेड है? मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम का प्रतिबंध से रिलेटेड है। आर्टिकल 24 देखा था हमने, बच्चों के से संबंधित है, यानी कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 26 क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है इसमें। आर्टिकल 23 अभी हमने देखा था, मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम का प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने, संचालित करने का अधिकार कौन से में दिया गया? आर्टिकल 30 में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रावधान किए मतलब प्रवर्तित किया जा सकते क्या? मौलिक अधिकार उन्हें लागू करने के लिए मौलिक अधिकार को आर्टिकल 32 काम आता है, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट रेट जारी करता है 5 टाइप की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और आर्टिकल का मिलान करना है। आर्टिकल 16 के 2 में क्या है? किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म और जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसके आधार पर? उसके वंश, धर्म, जाति के आधार पर। आर्टिकल 19 का 2 क्या कहता है? किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा, इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 29 का 2 कहता है। वहीं आर्टिकल 30 के 1 की बात करें हम, तो सभी अल्पसंख्यकों, चाहे वह धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर हों,
अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। आर्टिकल 31 का एक क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है, न्यायपालिका है। इसमें अब इसमें बताना है कौन सा कथन जो सही है। पहला स्टेटमेंट है के एम मुंशी संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के सदस्य थे, पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई थी, तीसरा करेक्ट, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है नागरिकों को मौलिक अधिकारों का रक्षक भारत के संविधान का अभिभावक किसको माना जाता है, उच्च न्यायालय को माना जाता है, यानी उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसको कहा गया, तो अम्बेडकर द्वारा आर्टिकल 32 को, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ये संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। दूसरा स्टेटमेंट है अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, तो दोनों ये करेक्ट हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है क्या, हैबियस कॉर्पस या बंदी, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट जारी कर सकता है। मौलिक कर्तव्य संविधान के 42वें संशोधन द्वारा ये जुड़ गए थे। संसद मौलिक अधिकारों को संशोधन कर सकती है, ये केशवानंद भारती मामले में बात कही गई थी। इंसानों के अनैतिक व्यवहार का निषेध किसमें है, आर्टिकल 23 में है। आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का निषेध है। आर्टिकल 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 21 के में क्या है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार कहाँ दिया गया था, कब, केशवानंद भारती मामले में ये बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत यानी कि बुनियादी ढांचे सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था, तो केशवानंद भारती मामला था उसमें ये बात कही थी। संपत्ति का अधिकार क्या है, कानून अधिकार रह गया। अब संपत्ति के मूल अधिकार को लोप किया गया है संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है, एक वैधानिक अधिकार कहें या विधिक अधिकार कहें, कानूनी अधिकार कहें, बस ये रह गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता क्या, समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है। भारतीय संविधान की समानता का अधिकार जिन 5 अनुच्छेदों द्वारा दिया गया है, कहाँ पर है, आर्टिकल 14 से 18 तक है। भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है। सभी व्यक्तियों को प्राप्त होता है क्या, विधि के समान संरक्षण का अधिकार प्राप्त होता है। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते किस चीज़ का, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी आवास के अधिकार तथा विदेश यात्रा के अधिकार को। किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा क्या है, इससे अंतकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है। तीसरा क्या है, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई भी विधिक उपबंध नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है क्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध है क्या, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है कौन सा है, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को जिन अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने पर से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है, आर्टिकल 14 और 16 हैं। लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान की गई है, आर्टिकल 16(1) में और 16(2) में। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान मान्यता देता है किसको, धार्मिक और भाषी अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया मूल अधिकार में। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट चलते हैं, राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, करेक्ट है। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकसित करने के अधिकार व्याख्या की अपरिहार्य है, तो दूसरा कर भी करेक्ट है। अब ये व्याख्या भी सही करता है इसकी, वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता कौन सा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में निहित हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता क्या, पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि
राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्राप्त है तो निम्न विशेष लाभ पाने का हकदार होगा कौन, क्या क्या? यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। दूसरा क्या है इसमें, यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। नहीं चलते किसी अपराध को अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 20 में है ये। दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वय अभिशासन से संरक्षण प्रदान किया गया, आर्टिकल 20 में। विधिक एवं सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को कौन से आर्टिकल में शामिल किया गया, आर्टिकल 21 में। बंदी द्वारा बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता, आर्टिकल 22। बंदी प्रतिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता 3 माह के लिए। नेक्स्ट है वह प्रलेख जिसमें किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है, कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया था, 1976 में पारित किए गए थे। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। इसमें पूर्ण करना डैश बिना कर्तव्य के भी उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के, यानी कि बिना अधिकार के। नेक्स्ट देख लेना आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व देख लेते हैं, DPSP। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किया जाने का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना है और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है। नेक्स्ट चलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन से बात सही है बताना है। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो दूसरा कभी करेक्ट है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ पर है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा में कहाँ से ली गई है ये DPSP आयरलैंड संविधान से। ये क्या है नीति निर्देशक सिद्धांत? ये बात योग्य नहीं है, यानी कि इनके उल्लंघन पर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत क्या है? DPSP आधारभूत है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया, कहाँ पर? DPSP के अंतर्गत। भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है DPSP के अंतर्गत। राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के संगठित करने का निर्देश दिया गया आर्टिकल 40 में DPSP में, ये ग्राम पंचायतों गठन से संबंधित है। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों गठन DPSP है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 40 किससे रिलेटेड? ग्राम पंचायतों गठन है, इसमें DPSP के भाग है। 41 कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। आर्टिकल 44 में आप सब जानते हैं कि आज दिन न्यूज़ में रहता है कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है। आर्टिकल 48 क्या है? कृषि एवं पशुपालन के गठन से संबंधित है। अब कथन और कारण वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनरेगा दर अरे परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है, करेक्ट है। रोजगार का अधिकार संविधान में भाग 3 में नहीं है, भाग 4 में है, ये तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही सम्मिलन करना है। 51 में क्या आर्टिकल? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रबंध से संबंधित है आर्टिकल 51 DPSP का। आर्टिकल 41 क्या है? तो काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार है इसमें। 43 के क्या में क्या? उद्योगों के प्रबंध में काम ये कर्मकारों के काम भाग लेने का अधिकार है इसमें। आर्टिकल 48 के क्या में? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किसमें किया गया है? DPSP में किया गया है। विदेश नीति संबंधित है अनुच्छेद 51 से। संविधान जिनके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है बच्चों स्त्रियों और जनजातियों के। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आएंगे DPSP में क्या क्या है? मद निषेध है, गो संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से कैसे भिन्न है, क्योंकि देखिए ये जो है परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, यानी कि उनके उल्लंघन पर कोर्ट या हाईकोर्ट जा सकता है बट इसमें DPSP में नहीं जा सकता। गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं कौन कौन से? ग्राम पंचायतों का संगठित करना, ग्रामीण स्तरों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह जिसके बारे में संविधान शांत है, तरुण शिक्षा के बारे में शांत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो संविधान के बारे में जोड़ा गया है मुफ्त कानूनी सलाह जोड़ी गई है इसमें। DPSP में क्या सम्मिलित नहीं है? सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है।
डीपीएस में क्या है, समान नागरिक संहिता है आर्टिकल 44 में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देश तत्वों में राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार हो, काम हेतु न्याय संगत और मनोचित दशाओं में रहें। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में से एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यह किसने कहा था, केटी साह ने बात कही थी। चलिए हम मूल कर्तव्य देख लेते हैं। मूल कर्तव्य में भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण बनाए रखने के कर्तव्य को रखा गया है, कहाँ पर रखा गया, तीसरे स्थान पर रखा गया है मूल कर्तव्य में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है, कहाँ पे, ये मूल कर्तव्य है आर्टिकल 51 के ए में। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं, तो शामिल किए गए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए हैं। मूल कर्तव्य को शामिल कब किया गया था, 1976 में शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत का संविधान का वह भाग जिसमें मूल कर्तव्य का सम्मिलित भाग है, ये भाग 4 का क्या है, 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था कब, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य शामिल कहाँ, अनुच्छेद 51 के क्या में शामिल है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित कथन बताने हैं, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, स्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। नेक्स्ट, भारत में मौलिक कर्तव्य क्या है, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को जो है संरक्षित करता है। एक नागरिक मूल कर्तव्य में सम्मिलित क्या क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उनका संवर्धन करना, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना, उनका पालन करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित क्या क्या है, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। दूसरा क्या है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसके परिरक्षण करना। और क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य में क्या क्या सम्मिलित है, मिश्रित संस्कृति की समृद्धि, समृद्ध विरासत की रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, व्यक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य क्या है, वन्य प्राणियों का रक्षण करना है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत मूल जगह देखिए, नेक्स्ट है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना, यह आर्टिकल 51 के एक में है। सही कथन बताने, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं होते हैं। भारतीय संविधान में भाग 4 के क्या में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, अनुच्छेद 51 के क्या प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, अभी 11 हैं, स्टार्टिंग में 10 थे, बाद में एक जोड़ा गया। भाग 4 का एक मौलिक कर्तव्य में वर्णित क्या क्या है, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का विकास करना और हमारी समग्र संस्कृति को मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। ये थोड़ा पेन प्रॉब्लम करने लग गया, देखते कब तक क्लास और होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब भारत का संविधान विषय देखिए। भाग 2 में हमने नागरिकता देखी थी, भाग 3 में मूल अधिकार हैं, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण बनाए रखें, यह कहाँ पर, ये मूल कर्तव्य में है। अब राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला ही कथन है इसमें, संघीय कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, ये बात ठीक है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ये बात गलत है, इसकी सीमाएं होती हैं। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है निर्वाचन, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, बात करेक्ट है। दूसरा, एक निर्वाचन मंडल की व्याख्या में जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनती हैं, दोनों बातें करेक्ट हैं। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा चुनाव होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, इसमें लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केवल इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए क्या सही नहीं है इसमें, ये राज्य
निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव स्थगित किया जा सकता है, यह स्थगित नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह उच्च सदन का सदस्य हो, यानी कि राज्य विधानमंडल में जो विधान परिषद होती है उसका अगर सदस्य है मुख्यमंत्री तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा इलेक्शन में, बिकॉज केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही करते हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 की गुणांक के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य अनिश्चित जनसंख्या से है क्या 1971 की जनगणना द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक क्या है, 35 वर्ष की आयु हो और संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो। नेक्स्ट, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत बाद क्या करना पड़ेगा, उसे सदस्यता छोड़नी होगी। राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएँ निर्धारित कहाँ पर की गई हैं, आर्टिकल 57 में की गई हैं। नेक्स्ट, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसको, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को दिया जा सकता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण करने के दिन से। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, संसद जो है ये महाभियोग लाएगी राष्ट्रपति पर। महाभियोग चलाया जाता है आर्टिकल 61 के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में यह स्टार्ट किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए आवश्यक क्या है कि कम से कम 14 दिन पहले से सूचना देनी पड़ती है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है राज्य की विधानसभाएं। तो फिर इसमें इसके जो है महाभियोग में कौन कौन भाग लेता है, इसके में जो भी सदस्य होते हैं टोटल सभी सदस्य संसद के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, बट राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं इसमें, जिन्होंने इलेक्शन में भाग लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दिशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदयुक्त अथवा अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को निर्वाह नहीं कर सकता है तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, कितने दिन, 6 माह तक कार्य कर सकता है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए या कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होगी, ये आर्टिकल 53 में बात कही गई है। नेक्स्ट चलते हैं, कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी, पहली बात ठीक है। कारण, कार्यपालिका शक्तियाँ सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित होती हैं, बात ठीक है, बट ये इसका लिंक नहीं करता है इसको। सही कथन बताने में कौन सा है, प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदस्य का सदस्य हो, बट 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें जो है लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना पड़ेगा। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है, भारत का राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए के जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है 44वें संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही भंग कर सकते हैं, अपने आप नहीं भंग कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभाओं की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है, जबकि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष इसकी बैठक की अध्यक्षता करता है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कथन बताना है, वह संसद का एक संगठक भाग है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है आर्टिकल 123 के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन सा था, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम था, जिसमें वीटो का प्रयोग किया गया था। एक राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है, वह कौन थे, ज्ञानी जेल सिंह थे। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है आर्टिकल 111 के अंतर्गत।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो उसे विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति क्या है? विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना और संसद को संदेश भेजना। नहीं चलते हैं, राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है विधेयकों पर स्वीकृति देने हेतु। नेक्स्ट है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2000 में अपने चुनावी सुधार पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उस राष्ट्रपति को वापस भेजा तब राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी थी आर्टिकल 123 के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से में? आर्टिकल 123 में है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद रखा जाना आवश्यक है 6 सप्ताह तक, तो इसलिए कहते हैं कि अध्यादेश की अवधि जो 6 महीने 6 सप्ताह है अधिकतम अवधि। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है किसकी? वित्त आयोग के अध्यक्ष की, संघ राज्य के राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की। राष्ट्रपति नियुक्त करता है किसको? भारत के महान्यायवादी को, कैग को नियुक्त करता है और राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है। भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है किसकी? प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है आर्टिकल 160 में। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है किसका? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है कौन सा? आर्टिकल 143 है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में क्या सही नहीं है बताना है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, ये बात सही नहीं है। मान भी सकता, नहीं भी मान सकता। संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है किसमें? संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजने के लिए। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक क्या है? एक न्यायिक शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त प्राधिकार कौन से? औपचारिक, विधिक, संवैधानिक और नाममात्र के। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे संसद के पटल पर रखवाए क्या? वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को रखवाए। नेक्स्ट है, वह संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है कौन सा है? वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न होता है, ये बात ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, ये बात गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, ये बात करेक्ट है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, ये बात भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, करेक्ट है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, ये बात गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, कहां से थे? ये बिहार से थे, राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी थे। दो अवधि के लिए राष्ट्रपति कौन बने? राजेंद्र प्रसाद बने हैं। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण कौन सा? नीलम संजीव रेड्डी चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट चलते हैं। अब कभी ऐसे पटे भी क्वेश्चन पूछ लिया थे राष्ट्रपति कार्यकाल बताओ इनका, तो फखरुद्दीन अली अहमद खान थे 74 से 77 तक, संजीव रेड्डी 77 से 82, जाकिर हुसैन 67 से 69, बीबी गिरी 69 से 74। राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं थे कौन? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक के रूप में जाने जाते थे किसे? डॉक्टर राधाकृष्णा को। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपतियों में से ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे कौन? बीबी गिरी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया कौन थे? जस्टिस एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट है, सत्य कथन बताना है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी को कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्य का सभा का सभापति बनता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तीनों करेक्ट हैं। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ये बात करेक्ट है। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, ऊपर कोई नहीं होता है पद भारत में। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था? 12वां था। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है बाद में अधिनियम बन जाता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है उस पर। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट चलते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसका? राष्ट्रपति को है। वह राष्ट्रपति
का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्रीय का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति लागू होती है किस पर? राष्ट्रपति पर। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में बिहार का राज्यपाल भी रह चुके हैं कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन और अभी रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया गया था एडविन न्यूटोनियस द्वारा। अब उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, कौन कौन होते हैं इसमें? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं इसमें, निर्वाचित भी और मनोनीत भी, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में हमने देखा था केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हता रखता हो, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये बात भी करेक्ट है। उपराष्ट्रपति से संबंधित कथनों पर विचार करना है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का, ये दोनों बातें करेक्ट हैं। नहीं चलते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के सीधे द्वारा होता है। भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है, उसके पास में पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य नहीं होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य को निर्वहन करता है। राष्ट्रपति की पदत्याग, अपदस्थनीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तीनों बातें करेक्ट हैं चारों। नेक्स्ट चलते हैं, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? राज्य परिषद यानी कि विधान राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यसभा में। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता, राज्यसभा की अध्यक्षता की जाती है। दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर थे, कौन कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णा और बीबी गिरी। मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम से कौन सा था? बारहवां क्रम था ये। अब केंद्रीय परिषद के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में क्या बात सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, ध्यान रहे कि नियुक्त होता है वो। सत्य कथन बताना है। राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से अनुमुक्ति है, करेक्ट है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता, करेक्ट है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 माह की लिखित सूचना आवश्यक होती है, करेक्ट है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्यतः केंद्र सरकार का होता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान के दायित्व है किसका? प्रधानमंत्री के दायित्व दिए गए हैं इसमें। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। नहीं, संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति होती है प्रधानमंत्री के पास। सत्य कथन बताना है। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उसके कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, उच्च सदन के, तो क्या होगा? वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो लोकसभा में लाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति की विवेचित करता है आर्टिकल 75 में। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का सदस्य है, बट राज्यसभा का बन सकता है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या होगा? जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य हो, परंतु 6 महीने के अंदर अंदर उसे दोनों में से किसी का सदस्य होना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। उप प्रधानमंत्री का पद क्या होता है? संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, संविधान में प्रोविजन नहीं उप प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्ति का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। नेक्स्ट चलते हैं, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री पद रह सकता है 6 माह तक। भारत के संसद के विषय में कौन सी बात सही है? संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रखना चाहिए। मंत्रिपरिषद सामयिक रूप से त्वरदायी होती है किसके लिए? लोकसभा के प्रति, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और 75 के अनुसार। नेक्स्ट चलते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र के उपरांत सही स्थिति बतानी है। राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेगा। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराए जाए।
अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने के लिए अपने पदभार का निर्वाह करेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सही कथन बताने में कौन सा सही कथन है। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं, ये बात ठीक है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, तो दोनों करेक्ट हैं। भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है क्या विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। नेक्स्ट, बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, कहाँ से? लोकसभा के सदस्यों द्वारा त्यागपत्र देना पड़ेगा। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है स्पीकर की। नेक्स्ट चलते हैं, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में क्या सही है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? संघीय संसद, जो लाभ के पद का निर्णय करेगी। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश का नेता नेहरू की रिपोर्ट में पहले गृहमंत्री और बाद में रक्षा मंत्री बने कौन थे? ये थे कैलाश नाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी थे। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 को प्रस्तुत किया था। 1949 में उनके स्थान पर जॉन वानताई को वित्त मंत्री बनाया गया था। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है क्या बजट शब्द जो है भारत के संविधान में कहीं भी नहीं है। बारहवें प्रधानमंत्री कौन थे? देवगौड़ा थे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, मनमोहन के समय के बारे में कौन सा कथन सही है। भारत के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं। नेक्स्ट है, कथन बताना है, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवा उनका क्रियान्वयन करते हैं, पहले बात ठीक है। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, ये बात ठीक है, बट ये मैच नहीं करता है इसको। नेक्स्ट है, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो गलत है, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दूसरा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, दूसरा ये है करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, ये बात ठीक है क्योंकि संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है। कारण क्या है, वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, तो दोनों बातें ठीक हैं। संविधान संशोधन में एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री की को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। ये बात कहाँ कही गई? 91वां संविधान संशोधन में ये बात की गई है। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में बताना है, 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? 18 थी। आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित क्या? श्वेत पत्र। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, अनुच्छेद 257 कही गई है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन आधार क्या था? गोपाल स्वामी अय्यर रिपोर्ट पर आधारित। नेक्स्ट चलते हैं, मंत्रिमंडलीय सचिवालय का कार्य क्या होता है? मंत्रिमंडलीय बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता सम्मिलित करना है इसमें। तो जवाहरलाल नेहरू शांति वन जो है इनका घाट से इससे संबंधित है, एलवी शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। अब महान्यायवादी और कैग के द्वारा देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? अटोर्नी जनरल देते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण कौन करता है? भारत के महान्यायवादी करते हैं, यही अटोर्नी जनरल। भारत के महान्यायवादी को नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता कौन? महान्यायवादी। अपने कर्तव्यों का पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार किसको होता है? महान्यायवादी को होता है। भारत के महान्यायवादी के विषय में कौन सी बात सही है? वह भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसमें वही योग्यताएँ होती हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है। कौन व्यक्ति है? वो भारत के अटोर्नी जनरल हैं। भारत के महान्यायवादी के बारे में देख लेते हैं, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लोकसभा की किसी सदस्य का ये समिति का सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा में बोल भी सकते हैं बट वोट नहीं दे सकते हैं।
सोलिसिटर जनरल होता है क्या? कानूनी या न्यायिक सलाहकार होता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकारों को परामर्श देता कौन? एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता देते हैं सलाह। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है आर्टिकल 148 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था किसको? भारत के राष्ट्रपति को। भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के बाद पद का सृजन किया गया संविधान के द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का नियुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सी बातें सही हैं बतानी है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवक के अयोग्य हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन किया जाता है किसका? भारत की संचित निधि से होने वाली सभी व्ययों की लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। दूसरा क्या, आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना, उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तीसरा क्या, सभी व्यापार निर्माण लाभ और हानि लेखाओं का लेखा परीक्षा करना, उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? संसद की होती है। संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने पद से उसे हटाया जाता है संसद के दोनों सदनों के संबोधन द्वारा पर। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार एक मित्र का मार्गदर्शक होता है किसका? लेखा समिति का। 1971 का संशोधन अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण का पृथक करता है और सीएजी के लेखाओं की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया था कब? 1976 में। नेक्स्ट, लोक निधि का अभिभाग कहा जाता है किसको? नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को, क्या को कहा जाता है। नेक्स्ट है, लोक वित्त सरकार के वित्तीय कार्यकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं क्या? सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, सार्वजनिक राजस्व और वित्तीय प्रशासन। अब बढ़ता क्रम में देख लेते हैं कौन पहला आता है। अग्रता क्रम में इनका सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, मैं तो पहले राष्ट्रपति आते हैं, बट क्वेश्चन के अनुसार इसमें ये दिए हुए थे। प्रथम सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। नेक्स्ट चलते हैं, अब पार्लियामेंट स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें पहले क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी, कब तक? 2026 तक नहीं बदली जाएगी। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है? 552 है, बट 2 अभी हटा दिए गए तो अभी 550 हो गई है। अब लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई 31वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। लोकसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन होता है जनसंख्या के आधार पर। इन राज्यों की लोकसभा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है, किसमें? अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में और मेघालय में। इन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। एसटी के लिए बात कर रहा है। यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटन संख्या 42 होती है तो राज्य के लिए अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित स्थानों की संख्या क्या होगी? तो ये जो है 330 के 2 के द्वारा किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल संख्या से वही होगा जो राज्य का संघ राज्य क्षेत्र के बाकी अनुसूचित जाति जनजातियों की संख्या के अनुपात में हो। नेक्स्ट चलते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें कहाँ पर हैं? तो मध्य प्रदेश में है। लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास थी, पति भी हटा दिए गए हैं। राज्य विधानसभाओं में आंगल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधि प्रावधान किया गया 333 में, अब हटा दिया गया है। राष्ट्रपति आंगल भारतीय समुदाय के नामित कर सकता था 2 व्यक्तियों का, वही हटा दिया गया प्रावधान। राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित 7वां और 31वां संविधान संशोधन लाया गया था। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा कम से कम सत्र बुलाए जा सकते हैं, कम से कम 2 वर्ष में 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कितनी होती है? कुल सदस्य संख्या का
1/10 भाग। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह कितनी है? 550 है। लोकसभा की वर्तमान संख्या कितनी है? 545 है। अभी कितनी होगी? 543 हो गई। अब संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधि प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा और विघटन के द्वारा। लोकसभा के सत्र का अपसान करने के लिए प्राधिकृत कौन है? राष्ट्रपति है। लोकसभा कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में राज्यसभा का प्रतिनिधि सर्वाधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। 80 सीटें लोकसभा में और 31 जो राज्यसभा में है। यहाँ जहाँ लोकसभा प्रतिनिधि कितने, देखिए लोकसभा प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश में 80 हैं, दूसरे में महाराष्ट्र में 48 हैं, पश्चिम बंगाल में कितनी 42 हैं, राजस्थान की बात किया तो राजस्थान में 25 हैं, आंध्र प्रदेश में कितनी 25 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 हैं, महाराष्ट्र में 48 हैं, छत्तीसगढ़ में 11 हैं, पश्चिम बंगाल में 42 हैं। लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं त्रिपुरा से। राज्यों या संघ शासित क्षेत्र के समूह की लोकसभा में केवल 1 सीट है, कहाँ? चंडीगढ़ की, मिजोरम सिक्किम में और मिजोरम में 1-1 सीट है। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा? उन्नाव का है। वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव की व्यय राशि कितनी रखी गई? 70 लाख रुपये रखी गई थी। लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था। नई लोकसभा की भंग कब की गई थी? 13 मार्च 1991 भंग की गई थी। 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचक हुए, पुराना क्वेश्चन है, 1998। राज्य सरकार लोकसभा के 182 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है, क्योंकि इस नियम से वाद विवाद के साथ मतदान का भी प्रावधान है। दोनों बातें ठीक हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचक क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख है। भारत में लोकसभा जो स्पीकर अध्यक्ष होता है चयनित किया जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। प्रोटम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? नए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब कर सकता है जब वोट बराबर हों और टाई मामला हो या तब कर सकता है। नेक्स्ट, संविधान की एक अनुच्छेद उपनिषद करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेगा, तो आर्टिकल कौन सा है? 100 है ये। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मामलांग करते प्रथम अध्यक्ष। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो ये कौन थे? जीबी मावलांकरी थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। वर्तमान उपाध्यक्ष ये अभी तो चले गए, ये तो कौन थे? थम्बी दोरई थे। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त होगा, कौन सा? मत बराबर की व्यवस्था में मतदान कर सकते हैं। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? पी ए संगमा थे। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से इसकी देखरेख में कार्य करता, किसकी? लोकसभा अध्यक्ष की। नेक्स्ट चलते हैं, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है, कहाँ? द्वितीय वाचन में। निम्न शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं, कौन कौन सी? धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा, धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में और मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में। संसद का पार्ट टू देख लेते हैं। राज्यसभा में होते हैं कितने? 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों के आधार पर। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। नेक्स्ट, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसको विघटित नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है, जबकि इसके सदस्य जो है वो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी नरगिस दत्त थी। राज्यसभा के संदर्भ में सही कथन बताना, 1/3 सदस्य है, कितने? 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश प्राप्त करते रहते हैं। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता क्या? नए अखिल भारतीय सभाओं का सृजन करना। राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में बताना है। राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। दूसरा, राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों ने कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित ये संकल्प पारित करना होगा। तीसरा, ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी एक भाग के लिए बनाई जा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है तो इसके लिए एक संकल्प क्या होगा? राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। सही कथन बताना है, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं होती, ये बात ठीक है।
दूसरा, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, ये बात भी करेक्ट है। वह विशेष अधिकार जो भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए गए कौन कौन से हैं? संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सभाओं का सृजन करने हेतु सशक्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, ये राज्यसभा की शक्ति है। संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है कौन सा? आर्टिकल 249। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही सही वर्णन क्या है? इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट चलते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा वर्तमान ये वेंकैया नायडू से। राज्यसभा के लिए कम से कम होना चाहिए 3 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्यसभा के अंतर्गत लाभ का पद धारण नहीं किया हो। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी? 250 है। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सार्वभूत संशोधन करती है या तत्पश्चात क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करें या अस्वीकार करें, विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। राज्यसभा को सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता कौन? मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। राज्यसभा में के विषय में क्या बात सही है ये देख लेते हैं। यह भंग नहीं किया जा सकता है, पहला करेक्ट है। दूसरा, इसके प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य कार्यकाल समाप्त हो जाता है, करेक्ट है। संसद का पार्ट 3 देख लेते हैं। अनुच्छेद 268 क्या है? इसके अंतर्गत संविधान में किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, करेक्ट है। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, ये बात भी करेक्ट है। 1 वर्ष में कम से कम संसद की बैठक कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए कम से कम। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो 6 महीने का हो सकता है बस। संविधान में कथित क्या है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। संसद का अनन्य भाग नहीं है, क्या नहीं है? उपराष्ट्रपति इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, संसद के अधिकारियों से संबंधित अधिकारियों में सम्मिलित कौन कौन होते हैं? अध्यक्ष लोकसभा का, उपाध्यक्ष लोकसभा का, महासचिव लोकसभा का, अध्यक्ष राज्यसभा का। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती जब बिना सदन की सूचित किए हुए अनुपस्थित रहता कितने दिन तक? 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वप्रथम एक संसदीय विधायक को इस आधार पर सदस्यता अयोग्य घोषित किया गया हो कि सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा हो। राज्यसभा का संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है आर्टिकल 105। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब किसी मामले के तथ्यों को रोकता हो या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन करता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन मतदान का अधिकार है इसको, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। सही कथन बताना है इसमें, किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधान वर्जना नहीं है। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, कौन से मामलों में? अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु, आर्टिकल 253 है इसमें। संबंधित राज्य की सहमति से या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में या राष्ट्रीय हित में राज्यसभा 2/3 से बहुमत से इस हेतु कोई प्रस्ताव पारित करती है तब। भारतीय संसद राज्य सूची पर विधान नहीं बना सकती जब तक राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, राष्ट्रीय पदकाल लागू, ऐसी स्थिति से अलग कभी भी नहीं बना सकती। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई कानून बना सकती है बिना राज्यसभा की राज्य की सहमति से। संविधान की विषय सूचियों में से विषयों के अंतर्गत विषयों पर कानून बना सकती है कौन? संसद। धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया है, तो वह क्रियाविधि क्या होगी? यह पारित समझा जाएगा कि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार या अस्वीकार कर उसे पास कर दे। सदन का अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को बोलने से रोक सकता है, किसी अन्य सदस्य को बोलने को बोल सकता है, यह घटना क्या कहलाती है? बैठ जाना या यील्डिंग द फ्लोर कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था की देन है किसकी? भारत की देन है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक हो सकती है 1 घंटे की। संसद में शून्यकाल का समय क्या? 12 बजे से 1 बजे तक का होता है। नेक्स्ट चलते हैं, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्न उत्तर सत्र होता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची में विषय पर कानून बना सकती है, मैंने बताया था आर्टिकल 253 है। सही कथन बताना, धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किया सकता है, राज्यसभा में नहीं किया सकता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की 14 दिन के अंदर अंदर। राज्यसभा को धन विधेयक प्राप्त करने के बाद उसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए 14 दिनों के अंदर। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो उसे पारित किया जाना होता है किससे?
उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से, याद रखना साधारण बहुमत है इसमें, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मैंने बताया था कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है इसका। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित होती है ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिन पर दोनों सदनों में मतभेद हो। सही कथन बताना, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 118 में स्वीकृत है। दूसरा, लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक 1961 में आयोजित की गई थी, ये भी करेक्ट है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक ऑफ आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी, एक भी करेक्ट है। प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक को के संबंध में प्रथम बैठक संयुक्त बैठक हुई थी। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। कोई कानूनी विधेयक रखा जा सकता दोनों में से संसद के किसी भी पटल पर। नेक्स्ट है, सही कथन बताना, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया हो लोकसभा के विघटन पर यह व्यापक नहीं होगा। सही कथन बताना, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है, किन्हें? मनोनीत सदस्यों को। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की संचित निधि पर भारत नहीं है क्या? भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। भारत के संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य भार नहीं है क्या? भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते। भारत की संचित निधि पर भारत नहीं है भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए अनुमोदन अनिवार्य है किसका? भारत की संसद का। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकते हैं संसदीय स्वीकृति से पूर्व भी। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राशि जमा होता है भारत की संचित निधि में। संविधान के धन विधेयक को परिभाषित किया गया आर्टिकल 110 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन सा कथन सही है बताना? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा उस पर कतिपय सिफारिशों के साथ उसे वापस लौटा सकती है। वे विषय जिन्हें धन विधेयक के रूप में सम्मिलित किया जाता है कौन कौन से? कर से संबंधित उपबंध, उधार, ऋण लेने संबंधी उपबंध, संचित निधि और आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट कोई विषय जिसमें सम्मिलित नहीं है उसे क्या कहते हैं? संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। बजट पर संसद के नियंत्रण पर विषय में कौन सी बातें सही बतानी है? बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी कौन है? आर्थिक कार्य विभाग। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो क्या होता है? प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर सकता है। व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है व्यापार व्यवसाय और वृत्ति करके। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, यानी कि एक दिन पहले पेश किया जाता है। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब सामान्य बजट के समय सीमा के भीतर पारित होने की आशा नहीं होती है। लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर होता है? लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंधित होता है जबकि अंतरिम बजट में व्यय और आपत्ति दोनों सम्मिलित होते हैं। व्यय का अनुमान भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है अनुदान के अनुरोध के रूप में। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक के विषय में पेश किया जाता है लोकसभा में। सामान्य वित्तीय विधेयन के चरण सम्मिलित होते हैं। बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, पहले बजट पर चर्चा होती है, विनियोग विधेयक को पारित करना होता है, फिर वित्तीय विधेयक को पारित करना होता है। संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। कौन कौन से मामले में? एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर। दूसरा, ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो। तीसरा, राज्यों की सीमाओं के फेरबदल करने से संबंधित विधेयक पर। या चौथा, धन विधेयक पर। चारों पर उसकी पहले भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। संदर्भित संघीय बजट से संबंधित क्या है? कटौती प्रस्ताव। पार्लियामेंट एक्ट 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी? 18 वर्ष है। नेक्स्ट चलते हैं, रेलवे आंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय राजनीति के संदर्भ में सही कथन है,
राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। संसद की एक सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी होती है? प्रकलन समिति होती है। प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से लिया जाता है 2-1 के अनुपात में। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान से ने सम्मिलित किया और स्थगन प्रस्ताव को। तारांकित प्रश्नों के विषय में बताना है, उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या होता है? सार्वजनिक महत्व के निश्चित अति आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु ये स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट है, संघ सरकार के संदर्भ में कौन सी बातें सही है बताना। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबिंबित होती है किससे? न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जाता है, मतलब मनाया गया था 13/5/2002 को। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था? ये विट्ठल भाई पटेल थे। सही कथा बताना, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट सही कथन बताना है, लोक लेखा को सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी सम्मिलित होते हैं, जबकि प्रकलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। तीसरा क्या है, विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोग के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता कहाँ पे? आकलन समिति में नहीं होता है। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है संसद को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। संसद की लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? संसद की वित्तीय लेखा और विनियोग एवं कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट का परीक्षण करना। लोक लेखा समिति के सदस्य कितने होते हैं? 22, जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति क्या होती है? सरकार के विनियोग एवं वित्त लेखाओं की जांच करती है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिपोर्ट की जांच कर सकती है। इसमें से मिलान करना है, लोक लेखा समिति वित्तीय समिति होती है, याचिका समिति कार्यकारी समिति होती है, और स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति ये तटस्थ समिति होती है, तटस्थ समिति विभागीय समिति ये स्टैंडिंग समिति होती है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों को संबोधित नहीं किया जाता है एस्टिमेट्स कमेटी से। प्रकलन समिति गठित की जाती है लोकसभा के सदस्यों से। भारतीय संसद की वित्तीय समितियाँ हैं कौन कौन सी? सार्वजनिक लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। संसदीय समिति गठित की गई है सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, सरकारी आश्वासन के बारे में और आकलनों के बारे में। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दों की जांच के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल कौन कौन थे? 20 संसदीय सदस्य लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? PC चाको थे। भारतीय संसद प्रशासन पर नियंत्रण रखती है संसदीय समितियों के माध्यम से। संसद का पार्ट 4 देख लेते हैं। खाद मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू किया गया 1954 में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं संज्ञेय और संक्षेप विचारणीय। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किया जाता है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। नेक्स्ट है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम विस्तार है संपूर्ण भारत में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दिशा में उत्तरदायी कौन होता है? निदेशक, प्रबंधक और सचिव। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी अधिनियम लागू किया था 26 अक्टूबर 2006 को। सामाजिक अधिनियम क्या है? एंटी डाउरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, प्रिवेंशन ऑफ इंपीरियल ट्रैफिक एक्ट। भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों विशेषाधिकारों के संबंध में क्या बात सही है बताना है। उपभोक्ताओं को खाद की जाँच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है, करेक्ट है। उपभोक्ताओं की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम अधिनियमित किया गया था 1871 में। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 प्रवर्तित हुआ था 30 जनवरी 1990 को। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के उद्देश्य को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसी केंद्र सरकार को है। तो इसमें से अब तो ऐसे ही नहीं पूछे जाते हैं, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या अभी कितनी हो गई है? अभी बढ़ा दी गई है तो 33+1=34 हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान के द्वारा ये हुई थी 1935 में। सही कथन बताना, सर्वोच्च न्यायालय की
गठन कब हुआ था बाद में, फिर हुआ था 1950 में। ये सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। भारत के उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग पत्र दे सकते हैं किसको? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद के महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु कितनी? 65 वर्ष है, न्यूनतम कोई आयु नहीं होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन निर्धारण करता कौन? संसद करती है। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना होता है। दूसरा, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संचित निधि पर ये आरोपित होते हैं जिस पर विधानमंडल अपना मत जो है नहीं देता है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं वकालत कर सकते। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों के कोरम नहीं होता है। तो भारतीय संविधान से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय में है। सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति से संबंधित अनुशंसा करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश भी होते हैं। उसमें कोलिजियम सिस्टम होता है, तो उसमें कितनी संख्या होती है? 4 होती है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, किसमें? मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं कौन? भारत सरकार तथा एक से या अधिक राज्यों के बीच का विवाद या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी बड़ी खंडपीठ कब बनी थी? दूसरी बड़ी बनी थी गोलकनाथ मामले में, और सबसे बड़ी खंडपीठ जो बनी थी वो केशवानंद भारती मामले में बनी थी। 13 जजों की पीठ थी ये। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत कब दिया था? केशवानंद भारती मामले में 13 जजों की पीठ बैठी थी इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति का जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के सक्षम बनाते हैं। ये बात गोलकनाथ मामले में कही थी। इंदिरा गांधी ये इंदिरा सानी बात जो है किससे रिलेटेड है? अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए चिकनी पर से रिलेटेड है। विशाखा दत्त अपने कार्यस्थल पर यौन शोषण से संबंधित है। मेनका गांधी आर्टिकल 14, 19 और 21 प्रवृत्त पर ये अपर्जी नहीं है से रिलेटेड है। संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित कौन सा है? आर्टिकल 134 के ए को मिलाकर 132 को पढ़ना। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं इसके अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में क्या बात सही बताना है? यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार रखता है। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है आर्टिकल 142 के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत किया करता है आर्टिकल 127। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्वलोकन प्रचलित है भारत और यूएसए दोनों में। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंधित है आर्टिकल 122 के अंतर्गत। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान के अन्य कहीं रखता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार क्या है? विधि का शासन। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको? सर्वोच्च न्यायालय को है। भारत के संविधान का अभिरक्षक या कस्टोडियन कौन है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को कानूनी मामलों पर परामर्श लेने का अधिकार किसको? राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिवेदन प्रस्तुत किया है खंड 1 आर्टिकल 143 के अंतर्गत। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किए किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसको है? संसद को है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार बढ़ाया जा सकता है संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिकारिता के विषय पर सही कथन बताना कौन सा है? देखिए, परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है।
भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह राष्ट्रपति मतलब ऐसा परामर्श के लिए कहता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया आर्टिकल 32, 226 और 227 के द्वारा। भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए व्यक्ति को कम से कम उच्चतम न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए 10 वर्ष तक। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूँगा। तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश इस तरीके से शपथ लेते हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं क्या मूल अधिकारों का परिवर्तन। देश के किसी भी न्यायालय में चल रही बात को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसको? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया अनुच्छेद 355 को। सही कथन बताना है, न्यायमूर्ति बी आर कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका यानी जनहित याचिका के परिजनकों में से एक माने जाते हैं। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का स्रोत क्या है? न्यायिक व्याख्या है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। इसका मतलब क्या होता है कि इसके सभी निर्णयों पर साक्षात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। अभिलेख न्यायालय माना जाता है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में सही कथन बताना है, सर्वोच्च न्यायालय के अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार होता है। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। TDSAT के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है केवल सुप्रीम कोर्ट में। जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी न्यायिक पहल द्वारा शुरुआत की गई थी। PIL क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में की जा सकती है। लोकहित बाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम कौन सा है? USA है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति ये प्रतिष्ठित हुई। न्यायालय का भारत का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था। यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की पूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी भारत के संविधान के आर्टिकल 348 में। उच्चतम न्यायालय ने पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा के पिंजरेबंद तोता है किसने कोयला मंटन मामले में बात कही थी। अब राज्यपाल से रिलेटेड देख लेते हैं। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया क्योंकि इसका तात्पर्य यह होता है कि दूसरा निर्वाचन निर्वाचित राज्यपाल अपने मुख्यमंत्री से बड़ा मानता हो। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन कार्य करना था। नेक्स्ट चलते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रख सकता है आर्टिकल 200 के अधीन। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। जम्मू कश्मीर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित सही कथन बताना है, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए उसकी। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल के संबंध में बताना है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में जो भी मुख्य मतलब न्यायाधीश होगा ज्येष्ठतम न्यायाधीश होगा कि समक्ष जो अपनी शपथ लेगा वो आर्टिकल 159 में दिया गया है। राज्यपाल के पद की शपथ ग्रहण करवाता कौन? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट चलते हैं, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथन बताना है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। सही कथन बताना, भारत के राज्यपाल उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया मतलब अधिकृत नहीं दी गई है इसमें। जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाता है तो राज्यपाल को उपलब्धियों के वेतन मध्य मिलते कैसे मिलते हैं वो उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा अधिकारित करें। किसी राज्य के राज्यपाल की दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ कौन सी बतानी है? भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना उसकी ये विवेकाधीन शक्ति है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए रखना ये भी उसकी मतलब ये शक्ति है विवेकाधीन। नेक्स्ट चलते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक होता है राज्य की विधायिका द्वारा। राज्य के पाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। राज्यपाल के संबंध में बताना कौन सा कथन सही है? वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। करेक्ट है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है ये बात भी करेक्ट है। उसके पास आपातकालीन शक्ति नहीं है ये बात भी करेक्ट है। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। करेक्ट है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्य के लिए अभियुक्त किया जा सकता है। दोनों बातें सही है, बात लिंक नहीं बैठ रहा है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राज्यपाल, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बनाया जा सकता कौन? राज्यपाल। भारत के संविधान में अभियोग चलाने के प्रावधान नहीं है किसके? राज्यपाल के खिलाफ। स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी उत्तर प्रदेश की। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ये थी पद्माजी नायडू। 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की स्मृति में। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था कौन थे? रघुकुल तिलक थे। नेक्स्ट चलते अब विधानमंडल से संबंधित प्रावधान देख लेते हैं। हम देख लेते हैं इसमें मुख्यमंत्री से संबंधित कथन देख लेते हैं। पहले राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति होती है इसकी। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्य द्वारा चुना जाता है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तीनों स्टेटमेंट में करेक्ट हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होते हैं कौन कौन? राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ भी अस्तित्व में है, अदरवाइज ये दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भारत में राज्य विधानपालिकाओं का उच्च सदन होता है विधानपालिका परिषद। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को रोक सकती है 4 महीने के लिए। धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया सकता केवल विधानसभा में। राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया सकता बगैर राज्यपाल की संस्तुति के। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान में रखा गया है आर्टिकल 171 के अंतर्गत। राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करना संबंधित विधि है राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा और संसद से पारित होगा। ये फिर किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान आर्टिकल कौन से में? आर्टिकल 169 में है। नेक्स्ट भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद करती है। देखिए पहले प्रस्ताव जो लाया जाएगा विधानसभा में लाया जाएगा उसके बाद पास करके संसद को भेजा जाएगा तो यहाँ पर विधान परिषद बन जाएगी। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत संख्या कितनी होती है? 1/6 होती है। इसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है किसको? राज्य विधान परिषद को। अब तक विधान परिषद नहीं है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। राज्य विधान परिषद के विषय में क्या सही है? यह एक स्थायी सदन होती है, यह भंग नहीं की जा सकती है। प्रति 2 वर्ष पर इसके एक तिहाई सदस्य मतलब सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। भारतीय संविधान में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत किया गया आर्टिकल 170 में। नेक्स्ट चलते हैं। एक आर्टिकल 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में कम से कम 60 सदस्य नहीं होंगे, से कम नहीं होंगे, तो सिक्किम में कम है। किसी भी राज्य विधानसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। मिनिमम 60 होगी और अधिकतम 500। राज्य विधानसभा में निर्वाचन का संचालन करता है कौन? भारत का निर्वाचन आयोग। विधानसभा की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट चलते हैं। राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निहारता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता कौन होती है? राज्यपाल के पास होती है। न्यूनतम आयु कितनी होती है विधानसभा में जाने के लिए? 25 वर्ष। किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे पद त्याग पत्र सौंपना पड़ेगा उपाध्यक्ष को। विधानसभा के विघटन के बाद उसका अध्यक्ष या स्पीकर पद पर बना रहता विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री बन सकता है 6 माह तक। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते कहाँ से आते हैं? राज्य विधानसभा द्वारा तय किए जाते हैं संचित निधि से। भारत के विधानसभा के सत्रावासन का आदेश दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। सही कथन बताना है इसमें। कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी सदन को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हता नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है। करेक्ट है। भारत में एकमात्र राज्य जहाँ सामान्य कॉमन सिविल कोड अभी लागू है गोवा है। 1956 में पुनर्गठित इतने राज्यों में द्विसदनीय विधानसभाएं थी 5 में। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित कौन सा कथन सत्य बताना है? मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया था। करेक्ट है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता। करेक्ट है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता। करेक्ट है। मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य कौन से होते हैं बताना है? मुख्यमंत्री राज्यों के कार्यों का प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। करेक्ट है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को सूचित करता है। करेक्ट है। और तीसरा, मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रख पाता है। मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित किया गया आर्टिकल 167 में।
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्य अवधि 6 वर्ष थी। भारत में सर्वप्रथम ये खत्म हो गया, सर्वप्रथम पहले मुख्यमंत्री कौन थी, उत्तर प्रदेश में थी सुचिता कृपलानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य विधान सभा निर्वाचन में भाग लेती किसके, राष्ट्रपति के, राज्यसभा के सदस्यों के, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के। राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी क्या है, इसे राज्य का विधानमंडल। सही कथन बताना है, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य का राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, मुख्य सचिव को। तो ये देखिए, मुख्य सचिव को जो है ये मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये यहाँ पर मुझे लगता है गलत है। आगे चलते हैं, उच्च न्यायालय के बारे में देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य के समेकित निधि से। उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, 62 वर्ष होती है। तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालयों की संख्या अभी कितनी है, 25 हो गई है अभी। इसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है, तो वह अधीन होता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के। नेक्स्ट चलते हैं, उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत क्या आते हैं, संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार। यह फैसला दिया गया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक गैरकानूनी होगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिया गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसमें, कलकत्ता में है। एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मुंबई उच्च न्यायालय है। 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किया है मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में। नेक्स्ट चलते हैं, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के दोनों के अधिकार क्या आते हैं, मूल अधिकारों का संरक्षण। ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है तथा इसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जिसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उसे रिट याचिका को क्या कहते हैं, मैंडमस कहते हैं उसको। सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसको क्या कहते हैं, परमादेश कहते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है और आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट करता है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है क्या, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। रिट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दिशा में लागू की जाती है, प्रतिषेध रिट है ये। एक उच्च अधिकार द्वारा न्यायालय द्वारा उत्प्रेक्षण रिट जारी की जाती है एक अधीनस्थ न्यायालय को बहु परीक्षण हेतु। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में न्याय पुनर्वलोकन क्षेत्र सीमित है क्योंकि भारतीय संविधान उधार वस्तुओं से भरा हुआ थैला है, तो दोनों बातें करेक्ट हैं। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है, बात करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों से संरक्षण से रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय किसी से भी रिट जारी कर सकता है, इसलिए करेक्ट है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकार है, किस टाइप का, यह टाइटल सूट का मामला है। सही कथन बताना है इसमें, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की रीति के समान ही होती है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा, ये राष्ट्रपति को देगा। 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उस प्रस्ताव के पास करने पूर्व त्यागपत्र दे दिया, कौन थे, सुमित्र सेन थे। भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट किसका, ये मानस पुत्र है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। प्रिवेंटिव डिटेक्शन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा सकता 3 महीने तक। विधि आयोग के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए एक तिहाई न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। ये न्यायाधीश HR खन्ना ने की मतलब ये रिकमेंडेशन दी थी। ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में क्या सही है, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। चलिए अब देख लेते हैं केंद्र राज्य संबंधों के बारे में। तो इसमें भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, हुकुम चलाने की इच्छा प्रबलता से। केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है आर्टिकल 268 से 281 के अंतर्गत। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के यंत्र विन्यास पर। एक संघीय व्यवस्था में सम्मिलित क्या होता है, संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के बीच संबंध और समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है, शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है आर्टिकल 245 246 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में आर्टिकल 249 किससे रिलेटेड है, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। आर्टिकल 249 के अंतर्गत क्या है, प्रस्ताव प्रवर्तन नहीं होगा 1 वर्ष से अधिक समय के लिए। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें कानून बना सकते हैं समावर्ती सूची होती है। केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची में है। विधायी शक्तियों का केंद्र राज्यों के मध्य वितरण संविधान की कौन सी अनुसूची में, 7वीं में। केंद्र राज्य विधायी संबंध किसमें, 11वीं अनुसूची में।
ग्यारहवें भाग में। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियाँ किसमें? संसद में है। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियाँ संघीय सरकार को दी गई हैं। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है क्योंकि वित्तीय मामलों को राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। संघ का यह कर्तव्य हो कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में 255 में है। नेक्स्ट है, भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए संविधानोत्तर और विधित्तर संस्थाएँ हैं कौन सी? राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? 8 अगस्त 1995 को। भारतीय संविधान अंतर्राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है, आर्टिकल 263 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरकारी आयोग के कमीशन पर आए थे। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत क्या है? संवैधानिक है। सही सुमरित करना, अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों की केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान की आर्टिकल 262 के अंतर्गत है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम बना था 1956 में। राष्ट्रीय जल नीति आई थी 1987 में। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून द्वारा। नेक्स्ट होते हैं, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती रही है। राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, दोनों बातें करेक्ट हैं। विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है, आर्टिकल 265 में कहा गया है। सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए केंद्र और राज्यों के संबंधों के बीच। सरकारी आयोग की सिफारिश पर क्या हुआ था? केंद्र और राज्यों के बीच परस्पर संबंधों की सिफारिश के लिए लाया गया था। सरकारी आयोग की सिफारिश के अनुसार आर्टिकल 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए क्योंकि जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनी है उन्होंने 356 का दुरुपयोग किया है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, स्थायी अंतर सरकारी परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से भी जानी जाती है, स्थापना का समर्थन किसने किया था? सरकारी आयोग ने। भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित क्या है? सरकारी आयोग, राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग। संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं या नहीं रखते हैं? ये राज्य सरकारों की कृषि आय पर ये समानुद्धित करता है क्या भारत का संविधान? एक कर संघ द्वारा लगाया जाता है, वसूला जाता है, किंतु संघ एवं राज्य द्वारा बांटा जाता है, क्या है? कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। अब इमरजेंसी से रिलेटेड, आपात से रिलेटेड देख लेते हैं। भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, आर्टिकल 355 के अंतर्गत। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार क्या है? युद्ध, बाहाक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता क्या? आंतरिक शांति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, आर्टिकल 252 के अंतर्गत। इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है, बाहाक्रमण, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और आर्थिक संकट। भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए स्थगित कर रख सकते हैं क्या? अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है गवर्नर की सलाह पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, संसद द्वारा संकटकाल की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है एक माह के अंतराल पर। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, ये KM नाम्बियर ने कहा था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित कथन कौन सा है? वित्तीय आपात की घोषणा 2 मास की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं है रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों संकल्प द्वारा उसका समर्थन नहीं किया जाता है तो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया, किसका? 360 का, यानी कि वित्तीय आपातकाल का अभी तक उपयोग नहीं किया गया भारत में, एक बार नहीं लगा। कहने का मतलब यह है वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक नहीं की, कभी नहीं हुई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की सोच क्या है? 3 प्रकार की है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल की लोकसभा की अवधि क्या होगी? आपातकाल की स्थिति में बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया सकता 3 वर्ष के लिए। आपातकाल के किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा। वित्त आयोग से रिलेटेड देख लेते हैं, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर। भारत में शेयर बाजार, फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर संघ कर लगाते हैं और राज्य द्वारा एकत्रित किया जाता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? भारतीय और केंद्रीय करों में राज्यों का भाग तथा केंद्रीय द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत को निर्धारित करना। नेक्स्ट चलते हैं, वित्त आयोग का कार्य तो देख लिया हमने। वित्त आयोग की राष्ट्रपति की संस्तुति भेजने में मुख्य क्या है? राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान से संबंधित सिद्धांत से और राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से। वित्त आयोग का कार्य बताना है, आयकर विभाजन है, उत्पाद शुल्क विभाजन है, सहाय अर्थात अनुदान निर्धारण करना है। नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, करेक्ट है। संघीय वित्त आयोग
पंचायतों की वित्तीय सहायता करने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता, ये गलत है। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है, करेक्ट है। बार में देखो इसका क्रम पूछ लिया था, बार में कौन थे वित्त आयोग के अध्यक्ष, रंगराजन थे, 13 में कौन थे, केलकर थे, और 14 में कौन थे, रेड्डी थे, तो आर के और आर आर के भाई कर दो जाए, भाई वी रेड्डी। नेक्स्ट, वित्त आयोग की द्वारा की गई सिफारिशों के संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाया कौन, भारत का राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कब किया था, 5 वर्ष पर किया था। राज्य वित्त आयोग के संबंध में कैसा है, यह भी एक संवैधानिक संस्था है। संविधान लागू होने के पश्चात अब तक वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं, कितने, 14 बनाए जा चुके हैं, 15 बन चुके हैं अब तक वित्त आयोग। वित्त आयोग में क्या होता है कि एक चेयरमैन होता है और 4 सदस्य होते हैं। योजना आयोग देख लेते हैं, योजना आयोग का अंत कब किया गया, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। स्थापना कब की गई थी, 15 मार्च 1950 को हुई थी स्थापना, हुई थी संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव द्वारा। संविधानोत्तर संस्था नीति आयोग आ गई वित्त आयोग इसकी जगह, योजना आयोग की जगह। वित्त आयोग योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था, माथुर ने दिया था। संवैधानिक निकाय नहीं है कौन सा, योजना आयोग नहीं है। क्या उल्लेख नहीं है संविधान में, राज्य परिषद का नहीं, योजना आयोग का, क्षेत्रीय परिषद का। नेक्स्ट, भारत की योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के बारे में बताना है, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, जनवरी 2015 में किया गया था, यह सहकारी संघवाद को सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट चलते हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व दर्जा दिया गया, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। योजना आयोग के आर्थिक मंत्रिमंडलीय परिभाषित किया गया केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्य हेतु भी, क्योंकि यह राष्ट्रीय संसाधनों का संतुलित प्रयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है, दोनों बातें करेक्ट हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के बाद देख लेते हैं, राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा की जाती है, इसमें राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपाय सुझाती है और राष्ट्रीय योजना हेतु निर्माण हेतु दिशा निर्देश भी देती है। तो एनडीसी में क्या होता है, इसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्य संबंध यह पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन से संबंधित है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता, प्रधानमंत्री। गठित कब की गई थी, 6 अगस्त 1952 को हुई थी। अब लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग देख लेते हैं, तो लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था, पहली बार ये प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिया गया था। राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी, भारत के प्रथम सुधार प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई थी। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान क्या, लोकपाल है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था, 1968 में। उच्चतर न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका विधायिका एक मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। प्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना किसने की थी, महाराष्ट्र ने की थी। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता राज्यपाल को। 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित किया था, किसने, उत्तराखंड ने। बोरा समिति का संबंध किससे, राजनेताओं और अपराधियों के साठगांठ से संबंधित है। नेक्स्ट, बहस समिति जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों की मतलब गठबंधन की जांच की रिपोर्ट दी थी, बोहरा समिति थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी, राजमन्नार आयोग द्वारा की गई थी। 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था, आर्टिकल 123 के द्वारा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था, मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा विपक्ष के नेता, राज्यसभा विपक्ष का नेता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्य मानवाधिकार के कार्य नहीं है कौन से, मानवाधिकारों के उल्लंघन पर सजा देना। संवैधानिक संस्था नहीं है मानवाधिकार आयोग। संवैधानिक प्राधिकरण कौन से, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत। संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्ति राष्ट्रीय आयोग से संबंधित कथन सही कौन सा, इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रवृत्ति की होगी, इसकी अध्यक्षता जस्टिस एन वेंकटचलैया कर रहे थे। संविधान समीक्षा आयोग जिसकी फरवरी 2002 में गठित किया गया था, अध्यक्ष कौन थे, एम एन वेंकटचलैया। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी आयु, ये पुराना क्वेश्चन है, हो सकता है कुछ अमेंडमेंट किया गया तो देख लेंगे इसको, जो भी अमेंडमेंट हुए इसमें। नेक्स्ट है, स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया वह कौन सा था, मूल अधिकारों की तुलना में नीति निर्देश तत्व को आग्रहता। मंडल आयोग ने जिन प्रस्तावों को हेतु अक्षोण विवाद पर सूत्रपात किया था, गठित करने वाले कौन थे, मोरारी देसाई के टाइम पर गठित किया गया। मंडल आयोग ने रिपोर्ट दी थी 1980 में। बाकी देख लेते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से।
लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है आर्टिकल 317 के अंतर्गत। भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए सही है क्या? इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता राष्ट्रपति को। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? रोज बेथ्यू है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यवहारित होते हैं भारत के राज्य की संचिति पर। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम के तहत की गई थी, ये 1919 का अधिनियम था। कुछ अस्थायी विशेष प्रावधान देख लेते हैं। भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान आर्टिकल 371 में दे रखे हैं। केंद्र के लिए इसका अब्बात कौन सा? जम्मू कश्मीर था, अब तो हट गया। ये भी संविधान के 371 के 6 में किसके लिए हैं? आसाम के लिए हैं। 371 के लिए विशेष प्रावधान है किसमें? महाराष्ट्र और गुजरात के लिए हैं। भारतीय संविधान में कश्मीर के लिए विशेष राज्य का दर्जा? अभिप्राय, कश्मीर का अलग संविधान है। अब खत्म कर दिया गया भाई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 क्या है? एक अस्थायी और संक्रमणशील उपबंध खत्म कर दिया गया है। चुनाव आयोग से संबंधित देख लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में देख लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन भत्तों का हकदार है जिनका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाते हैं जितने भत्ते। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य कारणों से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समक्ष होता किसके? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त को मतलब हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। भारत देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अलग है और निर्वाचन आयुक्त अलग हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत का संविधान निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है 324 के अंतर्गत। निर्वाचन आयोग के बारे में कार्य बताना है। संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना। तीसरा, निर्वाचन सूची तैयार करने के लिए कार्य का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निर्वाचन प्रणाली स्वीकृति गई हैं। वैश्विक मताधिकार के आधार पर प्रत्येक निर्वाचन प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, दोनों करेक्ट हैं। भारतीय निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ में कौन सा विषय सही है? निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिशें राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाती है। संसद के सदस्यों के निर्धारितों से संबंधित प्रश्न पर विनिश्चय करते हुए राष्ट्रपति राय प्राप्त करेगा भारत के निर्वाचन आयोग की। यदि किसी राज्य विधानमंडल विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निश्चित राशि यानी जमानत राशि खो देता तो क्या होगा? निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक है इसका मतलब। नेक्स्ट है, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किसको है? संसद को है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा है? विधिक अधिकार है। ये नवयुवकों यानी कि 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? ये किया गया था 1989 में। संविधान संशोधन 61। केंद्र और राज्यों की व्यवस्थाओं के लिए मतदान की न्यूनतम आयु उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 कर दी। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। निर्गम मत सर्वेक्षण विषय के बारे में क्या सही है? निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनोत्तर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चलता है कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। अब राजनीतिक पार्टी को ना देख के संविधान संशोधन देख लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। सही कदम बताना। देखिए, मिनर्म मामले कब थे? 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि केवल अनुच्छेद 39 का 6 व 11 में उल्लिखित राज्य के निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 14 व 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों में प्राथमिकता दी जाएगी इसमें। तो संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से उत्पन्न करके संशोधन द्वारा छीन ली गई है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक होगा संविधान संशोधन विधेयक। कौन से आर्टिकल के तहत? 368 के तहत। संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर। भारतीय संविधान के अनुसार इन विषयों पर संवैधानिक संशोधन के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा समवृष्टि आवश्यक है। किसके मामले पर? संविधान के संशोधन, ये संघीय प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और संविधान संशोधन की प्रक्रिया। वे विषय जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो गया, 7वीं अनुसूची में कोई भी विषय हो गया। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। उस स्थिति को जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन में अस्वीकार कर दिया गया तो क्या होगा? विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है।
नेक्स्ट है, संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में पारित हुआ तो कुछ राज्यों में किए गए कृषि में संबंधित सुधारों से संबंधित था। भारत में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। 53वां संशोधन क्या था, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। 86 में क्या था, 2010 में लाया गया था, शिक्षा अधिकार से संबंधित था। अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27% आरक्षण, यह 93वां संशोधन था। 69वां संशोधन, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। 75वें में एक राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना। 80वें में 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को करना। 83वें में अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों हेतु कोई आरक्षण नहीं दिया था इसमें। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 19(1) के सी में सहकारी समितियों का शब्द जोड़ा गया। 57वां संशोधन 2011। दिल्ली को नेशनल कैपिटल का दर्जा 69वां में दिया। दल बदल कब आया, 52वें में। भारतीय संविधान में प्राधिकृत हिंदी पाठ को संविधान संशोधनों में से प्रकाशित करने का अधिकृत किया गया, 58वां संशोधन 1987। मतदान की आयु घटाई गई थी 61वें में। 79वां किससे संबंधित है, लोकसभा राज्यसभा में अनुसूचित जातियों से संबंधित था। संविधान के आधारभूत संरचना से संबंधित तात्पर्य क्या है, संविधान के कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनका निराकरण नहीं किया सकता है। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता कौन, संसद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया था गोलकनाथ मामले में। लघु संविधान किसको कहा है, 42वां संविधान को कहा गया है। 25वां था ये संवैधानिक संशोधन कर्तव्य संबंधित 42वां। केंद्र और राज्य परिषद का आकार किसमें 15% तक नहीं बढ़ेगा, 51वां संशोधन था ये। सिक्किम को राज्य मिला 36वें में। मिजोरम राज्य का दर्जा 53वें में। शिक्षा का अधिकार 21वें शामिल किया गया था, 86वां संशोधन। अब राजभाषा से संबंधित देख लेते हैं। यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्त पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था का प्रयास करेगा, आर्टिकल 350 के कैम है ये। प्राथमिक स्तर पर मातृ शिक्षा में मातृभाषा में शिक्षा, सही कदम बताना, बोर्डो संविधान की 8वीं सूची में स्वीकृत भाषा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में क्या कहा गया, प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया, बीजी खैर इसके अध्यक्ष थे। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में इस संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, 52वां संशोधन तो था ये। अब कुल भाषाएं हो गई 22। 8वीं अनुसूची में नहीं है कौन सी, भोजपुरी नहीं है। 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी हैं, 22 हैं। संविधान में राज्य की भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया 345 में है। संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया उत्तराखंड में। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है कम से कम 2/3 बहुमत से। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं को बोलने की ये सर्वाधिक व्यक्ति है हिंदी, उसके बाद बंगाली के। भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वाले का सही अवरोही क्रम कौन सा, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल। हिंदी भाषाई प्रतिशत लोग कितने, 40% है। इसमें सर्वाधिक बोलने वाली मंदारिन है। भाषा बलूचिस्तान की किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि द्रविड़ की है, बरोही है। अब लास्ट टॉपिक देख लें, पंचायती राज से संबंधित। पंचायतों की संरचना के बारे में राज्य के विधानमंडल कानून बनाएगा। पंचायतों के संबंध में भारत के संविधान में भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन लाया गया था। पंचायतों में चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष पर। पंचायतों से संबंधित, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। एक पंचायत के भंग होने पर 6 माह के अंदर नए चुनाव कराए। नेक्स्ट, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्लेखन के लिए एक राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करेगा। संविधान में 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, नरसिंह राव थे। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें संविधान संशोधन द्वारा। महिलाओं के लिए आरक्षण 73वें वेतन तहत किया गया। पेशा 1996 के अंतर्गत समाविष्ट के ग्राम भूमि का शक्ति क्या है, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होगी। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व भी होगा। पंचायती राज व्यवस्था क्या है, स्थानीय स्तर पर स्वशासन की है। जेब संबंधों का स्थानीय ये त्रिस्तरीय अभिशासन की है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की है। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावल में पंजीकृत लोग इसमें जो ग्राम सभा में आते हैं। नेक्स्ट, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के संकलन की अध्यक्षता करता उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा के द्वारा चुना जाए। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करना क्या है, विकास में जनभागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। राज्यों की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश आर्टिकल 40 में मिलता है। आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन द्वारा यह संगठित किया गया। मनरेगा कार्यक्रम को लागू करने हेतु लाया गया आर्टिकल 43। सरकारों की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है, इनमें सरकार के 3 श्रेणियाँ होती हैं। इनका लक्ष्य गाँव को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है।
जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद भी होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य के द्वारा ग्रामवासियों में सदस्य का विकेंद्रीकरण होता है। उसके बाद क्या है कि बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय समिति की बात की थी पंचायती राज की, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय, सिंह में ने स्थानीय शासन की बात की थी और राव ने प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार की बात की थी। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा पंचायती राज सर्वप्रथम लागू किया था राजस्थान में। पंचायतों के शिल्पी कौन थे? बी आर मेहता थे। पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान में, उसके बाद में आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। तो राजस्थान में कहाँ लागू हुआ था? नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था ये। बलवंत राय मेहता की विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं के गठन की बात की गई थी। पंचायती राज से संबंधित समितियों का कालानुक्रम क्या है? पहले बी आर मेहता है, फिर अशोक मेहता, फिर जी के ये, फिर एल एम सिंघवी समिति आई। अशोक मेहता ने देख लिया, मैंने द्विस्तरीय की बात करी थी। पंचायती राज में संवैधानिक की बात किसने की? सिंघवी ने की थी। 73 में संसद में क्या जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची। 73 में प्रावधान क्या है? पंचायतों के लिए नियमित चुनाव, महिलाओं के लिए आरक्षण, वित्त आयोग की पंचायतों के फंड्स अनिवार्य है। 11वीं सूची में दिए गए पंचायतों की शक्ति का अनिवार्य हस्तांतरण। 11वीं सूची में कुल विषय कितने? 29 हैं। पंचायत राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में देख लेते हैं। राज्यों की पंचायतों के नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करना, राज्यों की पंचायतों में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन तैयार करवाता है। पंचायतों में उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जा सकता है किसको? नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत को। 73वां संविधान संशोधन, पहला राज्य कौन सा है? अभी पालन वाला मध्य प्रदेश है। 73वां संशोधन 1992 द्वारा देश में मजबूत जीवंत पंचायती राज संस्थाओं को बुनियादी मतलब रखना था इसका मकसद। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है भाई कि संविधान के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कहाँ पर? आर्टिकल 243 के घ में या फिर डी में। 73वां संशोधन 24 अप्रैल 1994 से देश में प्रभावी हुआ। यह राजस्थान में प्रस्तुत करेगा क्या? स्वशासन व्यवस्था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला परिषद, 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना भाग 9 में की गई है। एक क्षेत्र पंचायत का निर्धारित होती है राज्य सरकार द्वारा। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है 21 वर्ष का है तो। सही कथन बताना, पंचायत समय से पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित जो नई पंचायत होगी जो भी शेष समय रह जाता है उसी के लिए गठित होती केवल। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया और ये 243 के आई के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के लिए सिद्धांतों का विषय में संशोधित करता है राज्य वित्त आयोग। शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया 74वें संविधान संशोधन द्वारा। मेयर का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। 243 के जेड जे के अनुसार सहकारी समिति में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 21। राज्य सरकार का स्थानीय निकायों पर नियंत्रण नहीं होता है नागरिकों की शिकायतों में। नगर पालिका से संबंधित भाग 9 का ए। उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद असम में है, मंडल प्रजा परिषद आंध्रा, जनजाति परिषद मेघालय, ग्राम पंचायतों का अभाव मिजोरम में। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित वे पदेन सदस्य होते हैं 20 और 5। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतर्खेल कम हो गया है क्योंकि संविधान में 73 संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्था को पुनरुद्धान हो गया है। बात दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, यदि पंचायत भंग होती है तो निर्वाचन कितने 6 महीने के अंदर होंगे? भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में कौन सा कथन सही बताना है? राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वह जिले में एक से अधिक जिला फॉर्म बना सकती है। जिला फॉर्म की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए। उपभोक्ता के हितों का सामान्य प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फॉर्म के सम्मुख बेचे हुए माल पर दी गई सेवाओं में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पंचायती राज संस्था नहीं कहा? नागालैंड में नहीं है। नगर क्षेत्रों को निर्धारित करने हेतु भारत की जनगणना के अनुसार सही कथन बताना है? नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अधिसूचित एरिया के अंतर्गत हो, जनसंख्या कम से कम 5,000 हो, जनघनत्व 400 से कम ना हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में महानगर योजना समिति भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। करेक्ट है दोनों स्टेटमेंट। प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। पंचायतों की संरचना के बारे में देख लेते हैं, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा। ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे। पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायत निर्वाचन हेतु निर्वाचक आयुक्त नियुक्त होता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति का गठित होगी खंड स्तर पर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों से ही।
उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है अपने नगर की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा अपने नगर के क्षेत्रों के वार्डों के निर्वाचकों से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र कौन है? किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी कि मनरेगा के आयोजन बनाने के लिए संपादन करने हेतु ग्रामीण जिम्मेदारी किसको दी? ग्राम सभा को दी गई है। सामुदायिक विकास पहला कार्यक्रम ये राष्ट्रीय प्रसारक सेवा। ये अब कुछ नेक्स्ट आप विविध क्वेश्चन रह गए, तो ये हमने पूरा पॉलिटिका डिस्कस किया। ये रिविजन क्लास है हमारी, रिविजन की मतलब घटनाचक्र की, पॉइंटर की, तो इसको आप एक से दो बार देख लीजिए। मुझे लगता है कि मोर देन सफिशेंट है। आप कम से कम अगर कुछ भी नहीं पढ़ो तो एटलीस्ट रिविजन तो हो जाएगा आपका इतना करने से। मुझे लगता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप जो है अटैम्प्ट कर लेंगे इसको। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें यार। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं आप भी थोड़ी सी मेहनत करें, प्लीज़ सिलेक्शन लेके आगे बढ़ें यार। ज़िंदगी में आगे बहुत कुछ करना है अभी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी रात के 3 बज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।